घबरा गए क्या? ये रहा तुम्हारा रिवॉल्वर। ये रिवॉल्वर का ही सीन है। तो खबरी क्यों बना? उसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुझे कुछ लेना देना नहीं है तो फिर रामनगर की पुलिस मुझे दिन रात पागल कुत्तों की तरह क्यों ढूंढ रही है? डिपार्टमेंट का आदमी हूँ, मेरे गिरेबान पे हाथ डालोगे तो पता है ना क्या होगा। क्यों रे, मुझसे पैसे लेकर घर खरीदता है, शराब पीता है, लड़कियां मंगवाता है, इतना ही नहीं मेरे लोगों का एनकाउंटर भी करता है। लेकिन अब बाजी पलट गई, इसलिए अपनी गन उठाकर अपने आप को शूट कर ले। अगर मैंने गन उठा ली तो तेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, फैसला तेरे हाथ में है। ए, इसमें लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहा हूं। ये अगला सीन। Tomorrow's headlines will be yours. Sign on, baby. सब इंस्पेक्टर रामनाथ ने सुबह सुबह एक होटल के टेरेस पर जाकर खुदकुशी कर ली है। सब इंस्पेक्टर रामनाथ ने अपने ही गन से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ए, सब चुप हो जाओ। साहब, किसी ने मारा है, किसी ने उनका खून किया है। साहब, जिस किसी ने भी ऐसा जुल्म किया है उसे हमारे सामने लाकर जी भर के मारिए सर। कानून के रखवालों पर ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। सरकार की पगार से कोई आलीशान बंगला बना सकता है? इतना ऊपर उड़ने का आखिर उसके पास पैसा आया कहाँ से? माना बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए 200-400 की रिश्वत लेते हैं, लेकिन तुम लोग उसे फॉरन पेपर में छाप के हमारी धज्जियां उड़ाते हो। आज जिसे तुम देवता देवता कह के चिल्ला रहे हो, पीठ पीछे बहुत गलत काम किया करता था। हमने उसे हजारों बार इन्फॉर्म किया लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। पेपर्स, फेसबुक और सिग्नल्स, वो सभी को नकारता रहा। पता है, तुम्हारा देवता जितना सयाना था उससे कहीं ज्यादा सयाना ऊपर वाला है। तुम्हारी झूठी पुकार तो वो भी नहीं सुनेगा। सरकार से घोषित हुआ पैसा वो हमें दिलाने वाले थे, अब भगवान के बाद आप ही का सहारा है, हमें हमारे पैसे दिलवा दीजिए। मैंने कब कहा कि तुम्हारा पैसा नहीं आएगा? आएगा, कल भी आ सकता है या 4 साल बाद भी आ सकता है। तुम सब लोग एक एप्लीकेशन लेके चले जाओ, इन सबको डिसमिस करो यहाँ से, जाओ। मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ, एक दिन तू पागल होकर कुत्ते की मौत मरेगा, हमें इंसाफ दिलाने वाला एक दिन जरूर आएगा। वाओ साइकिल। डार्लिंग, तुम बहुत दिन से कह रही थी ना, इसलिए खरीद कर लाया। ये लो, रोड पर संभाल कर चलाना, ठीक है? ठीक है मामा। मेरा स्केच पेन कहाँ गया? जल्दी याद करो। माँ, जरा बाहर आकर देखो। माँ, अंकल्स गिफ्ट। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आज खाने में क्या स्पेशल है? क्या है ये सब? वो छोटी तो हमेशा कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है, तू हमेशा लाकर देगा क्या? पैसे नहीं थे तो क्या जरूरत थी लाने की?
मैंने ऐसा क्या कर दिया दीदी, वो कई बार मुझसे मांग चुकी थी। एग्जाम में 95% लेकर आई है, मैंने वादा किया था अच्छे मार्क्स लाएगी तो मैं उसे साइकिल ला कर दूंगा। दीदी, सिर्फ किताब देने से बच्चे पढ़ाई नहीं करते, वो छोटी छोटी चीजों से मोटिवेट होते हैं। वो बात तो सही है, लेकिन बिन बाप की बच्ची है, मैं तो बहुत मुश्किल से घर चला पाती हूँ। दीदी फिर वही बात लेके बैठ गए आप, वो छोटी बच्ची है, अभी मैं उसका ख्याल रखता हूँ, वो फिर आपका ख्याल रखेगी। मेरा सगा भाई भी होता तो शायद वो आज मेरे लिए इतना नहीं सोचता। प्याज से आंखें जल रही हैं, रोना बंद करो, मेरा टाइम हो रहा, मैं जा रहा हूँ भाई। रमेश, सुरेश, ये बिजनेस हमारा साथ देगा क्या? देगा ना, लेट्स प्ले। अरे वाह, इसमें तो फोन नंबर भी है। हेलो सर, मुझे अपनी गाड़ी पर एक फोटो मिली है। नहीं पसंद आए तो फाड़ के फेंक दो। नहीं नहीं, बहुत पसंद आई। तो फिर हमारे पास ही आ जाओ। ओके, थैंक यू। I am Suresh. I am Ramesh. Hello. Sir, Xerox नहीं है, small size, new brand. अभी तक उसे open भी नहीं किया। मुझे वैसे ही चाहिए। रेट क्या है? हाँ? 2 lakhs without service tax. क्या यार, रेट कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अभी तक उसे किसी ने छुआ नहीं है, इसलिए इतने रेट है। अपनी उम्र देखो और अपना जोश देखो। हा? देखते ही भाग कर आए कि नहीं, क्यों? उसे पिकअप करनी है। यही तो असली बात है। Enjoy. लेकिन माल कब मिलेगा? पहले होटल में रूम बुक करो, फिर रूम नंबर मुझे बताओ, माल मैं भेज देता हूँ। एंजॉय करो, माल पसंद आया तो पेमेंट क्लियर कर दो। ओके, डन। बुड्ढा तैयार हो रहा है। भाई मैं तैयार हूँ, माल तो तैयार है ना? माल मंजिल से थोड़ी दूर है, थोड़ी देर इंतजार करो, बस पहुँचता ही होगा। बेकाबू क्यों हो रहे हो? अरे लगता है आ गया। सर इफ यू डोंट माइंड, माल होटल में पहुँच चुका है, पिकअप कर लेंगे। ठीक है ठीक है, मैं ही कर लेता हूँ। Yes. अरे पुरानी गाड़ी को ऑयल की क्या जरूरत, इसे मैं रख लेता हूँ। अरे भाई हाँ, माल कहीं नजर नहीं आ रहा है। सॉरी सर, उसे इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए लिफ्ट से उतरकर रिसेप्शन पे चली गई है। इफ यू डोंट माइंड, आप वहाँ से उसे पिकअप कर लेंगे? क्या यार, तुम तो बंदरों के जैसा इधर उधर नचा रहे हो। कब्र में पांव लटके और माल जवान चाहिए। ओके ओके, उसी का फोन है। माल मिल गया सर? अरे भाई यहाँ तो मुझे कोई माल नहीं दिखाई दे रहा है। अरे वहाँ जो भी मिले उठा के ले जाना। हेलो सॉरी सर, उसे कुछ अर्जेंट काम निकल आया था इसलिए बाहर चली गई है, नाराज मत होइए। जरूरी काम निकल आया इसीलिए वो बाहर चली गई? अरे इससे ज्यादा और जरूरी काम क्या हो सकता है? सुनो, तुम्हारे लिए आज के दिन यह काम खास होगा, लेकिन उसके लिए रोज का काम है, जरा शांति रखो। क्या कह रहे हो? अरे मैं तो पूरी तैयारी कर चुका हूँ भाई। अबे 10-20 नींद की गोली खा के आराम से सो जा। सुरेश उसे कहो कि गोली तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। सर परेशान मत होइए, मैं कुछ करता हूँ। अपनी बाईं तरफ मुड़कर जरा देखिए। ओके, ऐसा क्या? वेलकम। वहाँ तो एक 40 साल की बहन जी बैठी है। जूते खाएगा, हमारे लिए बहन है लेकिन तेरे लिए गर्लफ्रेंड। आज के दिन किसी तरह काम चला लो, वो अपना ही है, सिर्फ 10,000 दे देना। अरे यार सैंपल कुछ और दिखाया और डिलीवरी में कुछ और ही दे रहे हो। अरे आज काम चला लो यार, मैंने वादा किया तो पूरा करूंगा। ठीक है, कोड वर्ड क्या है? उसे कहो कि मेरा दिल धड़क रहा है, वो फुदक फुदक कराएगी। मेरा दिल धड़क रहा है, एंजॉय। एक्सक्यूज हाँ बोलिए। मेरा दिल धड़क रहा है। क्या कहा? अरे तेरा दिल तो मैं ठीक करती हूँ। एक दो मालिक, कुछ दान करो मालिक। भगवान आपका भला करे मालिक। क्या बात है बॉस, आज कुछ ज्यादा कमा लिया जो दिल खोल के बांट रहे हो। सबको ऊपर वाला देता है, इंसान तो बस एक जरिया है, अगर कोई मजबूर मांगे तो उसे दिल से देना चाहिए। दिल से दिया जाए तो दान होता है, सोच कर दिया जाए तो भीख। क्या बोला है गुरुजी ने? सुपर ब्रो। हाउ मच ब्रो? 250 हुए। थैंक्स। अगला डेरा कहाँ डाले? पांडिचेरी में चलते हैं, वही सबसे सही जगह है। चल आजा। चल चल चल। सुरेश, रमेश, पैसा तो गाड़ी में रह गया। क्या? अरे पकड़ते। अरे चल 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 चल। क्या बात है मामा, आज बहुत थके हुए लग रहे हैं। इसे कैसे बताऊं? मेरे मन के अंदर ना एक इच्छा जाग रही है। क्यों? बीच में नहाने का दिल कर रहा है। ए,
जो तुझसे कह रहा हूँ ना ध्यान से सुन। ठीक है सुनाइए। उसे देखकर दिल आहें भरने लगे, दिल की धड़कनें अपने आप तेज हो जाए। उसके आते ही दिल के तार झनझना उठे। तू कोई ऐसी लड़की मेरे लिए ढूंढना। सुनिए मामा, आप बिगड़ते जा रहे हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों जैसे बिहेव करने लगे हैं आप। नो टंकी। जरा रुक तो, तू मामा का मजाक उड़ाती है। रुक। मेरी कार का बंपर, ये कैसे टूट गया? देखिए नहीं चलाती हो। बस बंपर निकल गया है, वो तो फिर से लग जाएगा। खींच के, ये मेरी अपनी गाड़ी नहीं है। सॉरी सर, गलती से हो गया। प्लीज सर माफ कर दीजिए। सर की सर की दे दीजिए प्लीज। चलो अपना लाइसेंस दिखाओ। वो तो अभी तक नहीं बनवाया है। अभी तक बनवाया नहीं है। तुम लर्नर हो क्या? काम बन गया, ये लीजिए 500 रूपए। एक दुंगना खींच के। अच्छा भीख दे रही मुझे? चल 10,000 रूपए निकाल। 10,000 रूपए? हाँ 10,000। उतने पैसे मेरे पास नहीं है सर। सर प्लीज सर इसे रख लीजिए। जाओ पहले पैसा लेकर आओ, फिर अपनी गाड़ी ले जाओ। सर बिना स्कूटर के घर गई तो पापा बहुत चिल्लाएंगे सर। प्लीज सर प्लीज। ये बात है तो एक काम करो, एक होटल में रूम बुक करवा लो, वहाँ आराम से सो जाओ, सुबह उठकर जाना, पैसे लेकर आना, फिर गाड़ी ले जाना, ठीक है? हेलो माइंड योर वर्ड्स, तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, घर जाकर पैसे ले आती हूँ, वेट करो। एक्सक्यूज मी मिस लर्नर, तुम्हारे घर जाकर यहाँ वापस आने तक मैं यहाँ वेट करूंगा। अपना नंबर दो मुझे। क्यों? एड्रेस भी दो अपना। शायद मामला जम गया। हाँ बोलो। 9741248693। नंबर करेक्ट है ना? पता नहीं ये कैसा आदमी है, इसका वीडियो ले लेती हूँ। पता नहीं ये आएगी या नहीं। हेलो एक मिनट इधर आओ, इधर आओ, एविडेंस के लिए एक सेल्फी लेनी है। आ जाओ इधर, जरा पास आओ। हाँ स्माइल करो, थोड़ा और पास आओ। ओके स्माइल। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि। अंजलि मैम साहब हो? हेलो मैं दिव्या बोल रही हूँ। बोलो बेटी। किसी भी कार का बैक बम्पर ठीक कराने के लिए कितना पैसा लगेगा? 500 रूपए। और अगर नया लगवाएंगे तो? 5,000 लगेंगे। ठीक है ओके थैंक्स। देख लिया ना उसने तुझे चीट किया है। इडियट, मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ने वाली। उसने मुझे लर्नर कहा है। उसका पता है? हाँ है। जरा ध्यान से। हाँ अरे बाप रे, क्या हुआ? उसे हम यहाँ पकड़ सकते हैं क्या? ये क्या कह रही है तू? वो देख सामने खड़ा है। चलो अपनी गाड़ी साइड में लगाती हूँ। चल उसके बाद वो इस तरफ ही देख रहा है। ये बात है। तो वो आ गई। आ रहा हूँ। उसमें बिल्कुल सब्र नहीं है। पहुंच गया। सो क्रेजी यार। व्हाई व्हाट्स रॉन्ग? पता नहीं। I don't know. ड्रामा कर रही है। Hey, Miss Lerner, यहाँ क्यों आई हो? गाड़ी लेने आई हूँ। गाड़ी लेने आई हो? Actually, हम गाड़ी लेने आए हैं। 10,000 रुपए लाई हो ना? पैसा तो रेडी है बॉस, गाड़ी कहाँ है? कम। ये तो बहुत नचारा है यार। नचाने दे यार, बाद में देखते हैं। मेरी धन्नो। ये क्या? यहीं पर था, कहाँ गायब हो गया? इसे तो बहुत बड़ा झटका लगा है। ठीक से पहचान ले प्यारे, ये दोबारा फिर नहीं आएगी, समझ जा। हेलो। हाँ क्या ये बात है? एक हफ्ते बाद। देखते हैं ये क्या कहानी बनाता है। सॉरी मेरे एक दोस्त को अर्जेंट काम था तो वो स्कूटर तिरुनवेले तक ले गया है। किस लिए? वहाँ हलवा बट रहा है। अब कैसे बताऊँ कि गाड़ी चोरी हो गई। ऐसा सुनो,
गाड़ी इसकी है तो तुम बीच में टांग क्यों उड़ा रही हो? ए, मेरी गाड़ी मुझे अभी चाहिए। हा? जानते हो वो गाड़ी मुझे किसने दी है? तलैवा के हीरो विजय ने। डांस कॉम्पिटिशन में जीती थी तब उन्होंने दी। अगर मेरी गाड़ी नहीं मिली ना तो चलो। हाँ चल चल। हम भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं ना, उसकी तो हवाई टाइट हो गई। कहाँ गया स्कूटर? तो मैंने यहीं खड़ा किया था। शिवा एक गुड न्यूज है। बताइए सर। कल से मैं गुड न्यूज ही सुन रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से यहाँ से ट्रांसफर लेने की कोशिश में लगा था। क्या बात है सर? मुंबई ट्रांसफर हो गया। कब जा रहे हैं मुंबई? ऑफिस में कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं। दो हफ्ते में वो सब पूरा हो जाएगा। जो मैंने कहा था वो मेल आ गए हैं सर। मुझे फॉरवर्ड कर दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ मामा, आज बहुत गुस्से में लग रहे हैं। क्या बताऊं, उसका स्कूटर खो गया। बाप रे, ऐसा कैसे हो गया? अभी तो मैंने उसे संभाल लिया है, लेकिन वो स्कूटर किसी विजय का गिफ्ट था और वो जिद पड़ी है कि उसे वही स्कूटर चाहिए। पहले ही ये नाटक क्यों किया? अगर उसी वक्त आपने उसे आई लव यू कह दिया होता तो बेकार में ये सर दर्द लेने की वजह दोनों के बीच में प्यार हो गया होता। रुक 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 रुक, उसकी कार यही खड़ी है। बाप रे बाप, वो यहाँ पहुँच गई। मेरे बारे में पूछे तो कहना नहीं हूँ, संभाल लेना। वो तो मैं संभाल लूंगी मामा, आप उस तरफ जाकर छुप जाइए। बाप रे, ये किसे अपने साथ लेकर आई है? ये बच्ची भी उसी के साथ थी। गुड़िया, वो ड्राइवर कहाँ गया? क्या आपका नाम क्या है? दिव्या। सुनिए प्यारी दिव्या जी, अब तक शिवा मामा नहीं आए हैं। देख रही हूँ ना, ये भी कैसे बोले जा रही है। ड्राइवर क्यों कहा? उसे फोन करती हूँ। अगर गुड़िया को कुछ कहो ना तो मैं। अरे अरे, पकड़े गए मामा। गया तो अपने छिपे हुए मामा से कह दो कि हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने जा रहे हैं। बेटा तो मर गया। अब क्या किया जाए? आओ तुम लोग जरा बाहर आओ। इससे क्या हो गया? अब मामा कौन सा नाटक करेंगे? देख, अब कोई नई कहानी सुनाएगा। नॉनसेंस। मेरा एक ही दोस्त था, उसे स्कूटर पर था, अपनी जान गंवा बैठा तुम्हारे स्कूटर के कारण। कहना क्या चाहते हो? कन्याकुमारी से काली मंदिर जाते समय बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मेरा दोस्त, उसकी उसकी बॉडी का कुछ नहीं मिला, लेकिन स्कूटर के दो टायर मिल गए। ए, तुम्हारा रूट बिल्कुल गलत है। वो तिरुनावले गया था तो वहाँ से काली के मंदिर कैसे पहुँच गया? फिर पकड़ा गया प्यारे। बता यार। देखिए, मैं खुद इस वक्त इतने बड़े सदमे में हूँ और आप बेकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। तुम्हारा कोई फ्रेंड ही नहीं है, हमने पूछताछ की है। गाड़ी मिलने तक तुम ही मेरे ड्राइवर रहोगे। हेलो, कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तुम लोगों से मेरा क्या लेना देना है? कौन है तुम लोग, मैं नहीं जानता। जाओ। हमें पता था तुम यही कहोगे, इसीलिए सारे सबूत मैंने फोन पर ही रखे हैं। देखो, सिर्फ इतना ही नहीं, कंप्लेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इससे जबरदस्ती करने के लिए गाड़ी में ले गए थे, ये भी लिखवाऊंगी। हेलो, तुम्हारा रेप करने के लिए तुम्हारे स्कूटर पर लेकर तुम्हें भागा, ऐसे कंप्लेंट करो। कानून मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। गर्म होने की जरूरत नहीं है, एसी कार में लेके चलता हूँ। ये भी कम नहीं है, चल। बढ़िया ही। हे गुड़िया, होमवर्क पूरा नहीं किया और सो रही हो? सुनो, मैं जा रहा हूँ। बाय। मौका भी है, दस्तूर भी है, फायदा उठा ले। अब सुनिए, आपका स्कूटर मेरे दोस्त के हाथ से टूट गया है, आप कहें तो आपको एक नया स्कूटर दिलवा दूं। स्कूटर टूट गया है? तुम्हें पता है ना वो मुझे किसने दिया है? तुम अब एक नया बहाना बना रहे हो। स्कूटर मिलने तक तुम ही मेरे ड्राइवर हो। हेलो, तुम अपने बच्चों के लिए बुक ले लो ना। इडियट, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा हुआ बच गया, नहीं तो जिससे शादी होती वो मारा जाता। ए, जरा उतर कर बुक्स ले आओ। जाओ। एक बुक कितने की बेटा? 7 रुपए का भैया। तो सारी बुक दे दो। थैंक यू भैया, थैंक यू। मैंने क्या कहा और ये क्या कर रहा है? उतनी सारी बुक्स क्यों खरीद ली? तुमने बुक्स खरीदने को कहा, कितनी खरीदो नहीं कहा, तो 1000 की सारी ले ली। ए, ओवर स्मार्ट मत बनो, ठीक है? ए, शिवा मामा आ गए।
शिखा मामा आ गए। हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? सवाल मत करो, चुपचाप बैठो। हाय बच्चों, सब लोग मस्त हो ना? मैं तुम सबके लिए बढ़िया गिफ्ट्स लाया हूँ, लेकिन कोई मस्ती नहीं, ठीक है? यही रुको। हे, ये कर क्या रहा है? हाँ, तुम लोग जरा पीछे हटो और शांति से खड़े रहो। बाहर आओ, चल आ जाओ। सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार ये। हाँ पकड़ो। सुनो बच्चों, आज इस दीदी का बर्थडे है, सबको ये एक एक बुक देने वाली है, तो पहले विश करना फिर बुक लेना, ठीक है? विश करो दीदी को। ये बहुत पुण्य का काम है यार। आ जाओ। दीदी बहुत खूबसूरत है, ये आपकी लवर है क्या? ए, ये बात तो इतनी धीरे क्यों पूछा? जोर से पूछना, जरा जोर से। ये दीदी बहुत खूबसूरत है, आपकी लवर है क्या? लवर है क्या बताइए, आपकी लवर है क्या? ये तो फ्रॉड ही है, हमने तो इन्हें मामी मान लिया, आपको पसंद है क्या? सच कह रहा हूँ दीदी बहुत खूबसूरत है। चलो सबने ले लिए ना। अच्छा सुनो, वो बच्चे ने जो कुछ भी कहा ना, और बच्चों को जो भी कुछ तुमने बांटा, उससे इम्प्रेस होकर मुझसे प्यार मत कर बैठना। मेरी अपने भी कोई प्रेस्टीज है। हो गया हो तो गाड़ी में बैठ जाओ। उसकी बातों में तुम तो आ ही गई, ये तो बहुत नाटक करता है रे। कौन है बे, रोड पे ऑयल गिरा कर चला गया? ए, ये तुझ पे लाइन मार रहा है, पता है ना तुझे? हाँ स्वीट, वो बुरा नहीं है यार, हम ही उसे ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। सही कहा, वो रोड पे मिट्टी डाल रहा है लेकिन उसकी धूल तेरे दिमाग पे जम रही है। नीरे संभल कर। हेलो, कल का प्रोग्राम क्या है फोन पर बता दूंगी, आकर पिकअप कर लेना। कल मुझे बहुत काम है इसलिए नहीं आ पाऊंगा। हम पूछ नहीं रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। देखो लगातार कॉल आ रहे हैं, कस्टमर्स के हैं, उनके पास भी जाना होगा। हमसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। ए, तूने प्रूफ तो रखे है ना? देख, कस्टमर पिकअप या पुलिस कस्टडी, अब ये तुम्हें डिसाइड करना है। बाय। किस मुसीबत में फंस गया, ये पहला ऑर्डर है, ये दूसरा ऑर्डर है। रमेश, सुरेश, तुम लोग यहाँ पर? हम लोग इसे जानते हैं क्या? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम लोगों को, तुम लोग अपना पैसा भूल गए थे गाड़ी में। यहीं पर रुको तुम लोग, मैं अभी लेकर आता हूँ। रमेश कौन है ये, कहाँ से आया ये? ये तो बाहर से आया है सुरेश। वो नहीं रमेश, ये तो महाभारत के कर्ण के औलाद के जैसा लग रहा है। ये महाजानी कर्ण कौन? अरे मुझे भी कहाँ पता है, बस लोगों से सुना ही है। तुम लोगों का पैसा गिन कर देख लो, सही है ना? अब ब्रो प्लीज बी सीटेड, बैठो। नहीं, अरे बैठो भाई बैठो। नहीं नहीं, अरे हमारी बात मान लो, बैठो। अरे हमने पीए पर चढ़ी नहीं, बैठ जा। बॉस अपने बारे में हमें कुछ बताओ बॉस। लगता है भूल गया, मैं एक अनाथ। सॉरी सॉरी, देखो प्यारे, इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं होता। सुरेश ये अपना फ्लैशबैक सुना रहा है, उससे ज्यादा दुखी तो तू नजर आ रहा है। भाई मैं अनाथ नहीं, मेरी एक बहन है और एक भांजी भी है। इसका फ्लैशबैक भले ही पुराना है लेकिन कंफ्यूजन एकदम नया है। कंटिन्यू। बचपन से मेरी बहन ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, उसके हस्बैंड एक्सीडेंट में गुजर गए। हे भगवान, वो बस सिर्फ अपनी बच्ची के लिए जी रही है, मुझे वो सगे भाई से ज्यादा मानती है। तो अब बताओ मैं अनाथ हूँ क्या? तुम्हारी कहानी सुन के मैं सात्विक हो रहा हूँ यार। अपने बारे में बताओ। सेम टू यू बॉस। हमारी कोई बहन नहीं है। ये फोन क्यों कर रहे हैं? बॉस बॉस बॉस, आपकी लाइफ में कोई टेंशन है क्या बॉस? लगता है गमन तक गया नहीं। आप भी नहीं सह पा रहे। तुम्हारा फ्लैशबैक सुन के हमें शॉक लगना चाहिए। चलो कंटिन्यू। एक लड़की का स्कूटर लाकर घर के सामने पार्क किया था, कोई चोर उसे वहां से उठा ले गया। बॉस चोरों के बारे में गलत नहीं बोलते, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। हाँ भाई। बॉस बार बार फोन क्यों काट रहे हो? क्या बताऊं भाई, इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है। लव का मामला है क्या? यस, वन साइडेड। तो फिर इसकी वजह से वो टॉर्चर कर रही है? बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही है। मतलब वो तुम्हारी लवर है?
अच्छा उसकी आंखों में आंसू देखा है? मेरी आंखों में खून देखो। इसका मतलब आपकी गर्लफ्रेंड? ऑफ कोर्स। बॉस तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आज रात के लिए कुछ खास इंतजाम किया है, चलते हैं, एंजॉय करते हैं, सारे गम भुला देते हैं। वेलकम वेलकम, कम ऑन गाइस। जिस पे सब मरते हैं वो मारने वाली अंदर है क्या? वही आइटम है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अंजलि उठ जा, अंजलि उठ ना, देख कितना टाइम हो गया है, जल्दी से नहा धो के ब्रेकफास्ट के लिए आ जा। आ रही हूँ माँ। हाँ हाँ, तुम्हारा रोज का नाटक है, रात भर फेसबुक व्हाट्सएप पे लगी रहेगी तो कैसे उठेगी, पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। शिवा। हेलो, मैं शिवा बोल रहा हूँ। बोलो। गाड़ी मिल गई है। मस्त लग रही है। अरे पूछ, मेरी गाड़ी मिल गई? हाँ, पहुँचा दूँ या लेने आ रही हो? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो हेलो हेलो। अबे अच्छी है तो क्या दिन रात यही टी शर्ट पहन करके घूमेगा, कोई दूसरे कपड़े नहीं है क्या बे तेरे पास? तुझे कैसे पता कि ये वही है? जरा देखना नंबर क्या डाला है रमेश। माँ सुन रही हूँ, मेरा स्कूटर कहाँ है? तू ऐसे क्यों पूछ रही है? माँ मेरा स्कूटर कहाँ है? माँ अरे वो तेरे पापा लेकर गए हैं, ले कर मेरी जान खाएगी। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं बी साइड पर हूँ। गाड़ी का नंबर क्या है? भूल गया, देखकर बताता हूँ। PY01CJ2832। हेलो, वो मेरी गाड़ी का नंबर नहीं है, मेरी गाड़ी का नंबर 3344 है। इस पर तो विजय का फोटो लगा हुआ है। विजय का फैन तो पूरा शहर है, हर कोई उसका स्टिकर लगाता है, तो क्या सारी गाड़ियाँ मेरी हो गई? वो गाड़ी मेरी नहीं है, तो मेरी गाड़ी का पता लगाओ। हेलो, अब क्या करूँ? खोपड़ी में कुछ घुसा, बात मान ले मेरी बात। इधर आओ ना। जरा रुको बॉस, मेरे और रमेश की जिंदगी के बीच में आकर। बॉस एक मिनट आओ ना। तेरे लिए नहीं, तू यही रुक, मैं पूछ कर आता हूं। मेरा क्या है बॉस? ये चाबी उसे दे दो। क्या? क्या हमने गलत गाड़ी उठा ली? एक डॉक्टर की गाड़ी में प्लस के निशान का स्टिकर लगा होता है और वकील की गाड़ी में काली टाई बनी होती है, लेकिन पुलिस वालों की क्या पहचान है? क्या बोल रहा है बे? खाकी कलर की टोपी का स्टिकर उसमें चिपका होना चाहिए या तो कंधे का स्टार होना चाहिए। अगर हम गाड़ी नहीं पहचान पाएंगे तो हम लोगों से इस तरह की गलतियां होती रहेंगी साहब, हमारा क्या कसूर है? अबे रमेश बोलना। जो कहना था वो तो कह दिया, अब चुप हो जा सुरेश। अबे तू मुंह क्यों नहीं खोल रहा है? तेरे दांत टूटे होते तब पता चलता। तुम लातों के भूत हो ना, ऐसे नहीं सुधरोगे। अभी और धोना बाकी है क्या? रुको मैं आता हूँ। कुछ लाने जा रहा है अंदर से। आ गई। एक नंबर की चीटर है। पापा कहाँ हैं? सुरेश ये कंफर्म ड्रग का केस है। पापा अपना स्कूटर मैंने ही चुपके से छिपा दिया था, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिए पापा, वो बेगुनाह हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, प्लीज। इस तरह के फ्रेंड्स हैं तुम्हारे? तुम्हें जरा भी अकल नहीं है पापा, इस तरह के घटिया दोस्त पाल रखे हैं तुमने? जब बैठा शक्ल देखिए उनकी, चोर लगते हैं सब, जाओ उन्हें छोड़ दूंगा। थैंक यू पापा। सलाम सर। नमस्ते। ए जाने दे इन लोगों को। यह साइन करो। ऐसा लग रहा है जैसे बैंक से पैसे निकालने हैं। शिवा शिवा एक मिनट, दोबारा शरीफों के गिरेबान पर हाथ डालने से पहले सोच लेना, समझ गए? नहीं सोचा तो है? क्या करेगा? जब वो नेता बन जाएगा तब बताएगा क्या करेगा। चल जा। शिवा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी शिवा, मैंने तो मजाक में ऐसा किया था, पता नहीं था बात पापा तक पहुंच जाएगी। शिवा उस चीटर पे ध्यान मत दो, चलो। क्या सर, गाड़ी चोरी करने वालों को इस तरह मारते हैं? गाड़ी पकड़ा इसलिए नहीं मारा, पता है उन्होंने आपके पापा से क्या कहा? क्या कहा? ये रोज बिना उसे देखे रह नहीं पाता और वो रोज बिना इसे देखे रह नहीं पाती, इस चक्कर में हम पिस रहे हैं। हमारी बात झूठ लग रही है तो ये सेल्फी देख लो। जी हाँ सर, नया नया प्यार है, लड़की जरा पागल टाइप की, इसलिए सबूत के तौर पर ये सेल्फी लेके रखी है। ओह गॉड। तुम लोगों को भी घूमना है क्या? ठीक है। मिस, क्या हुआ बेटा? चक्कर आ रहे हैं, जल्दी चलिए। नलिनी नलिनी क्या हुआ तुम्हें? तुम बच्ची के क्या लगते हो? मामा मेरी भांजी है। काम क्या करते हो? कॉल टैक्सी ड्राइवर हूँ। बच्ची को इससे पहले कभी चक्कर आया या बेहोश हुई? चक्कर तो नहीं आया, लेकिन बार बार नींद की वजह से सो जाती थी। क्या बात है डॉक्टर? बच्ची जरा क्रिटिकल कंडीशन में है, वैसे तो बीमारी फाइनल स्टेज पर है। ये क्या कह रहे हैं आप? पिट्यूटरी ट्यूमर इन द ब्रेन,
इसका मतलब दिमाग में गांठ है। ये ट्यूमर लाखों में किसी एक को होता है। इमीजिएटली ऑपरेशन करना होगा। अब्रॉड से डॉक्टर्स बुलाने पड़ेंगे। ये एक हेड ओपन सर्जरी है और एक रोबोटिक सर्जरी फॉर पिट्यूटरी ब्रेन ट्यूमर रिमूवल। मेरे हिसाब से इसमें करीब 20-25 लाख लग जाएंगे। मैं जानता हूँ कि इतने सारे पैसों का इंतजाम जल्दी नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं तुम्हें 10 दिनों का वक्त देता हूँ। मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर दे रहा हूँ, तुम उन्हें बच्ची को देते रहे। बट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना, जरा सी भी लापरवाही नहीं। ठीक है सर, लेकिन ये बात दीदी को मत बताइए। रिपोर्ट आप अपने पास ही रखें। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी। इस फूल परी को आज के लिए अपनी रानी बनाने वाला हूँ। सर, शहर के मार्केट में पहली बार आई है, बिल्कुल नई। अच्छा? बस आप उसे अपने चंगुल में कर लीजिए। 6 महीने तक यहाँ तक बुला लो उसे। किसी और की तरफ देखेंगे भी नहीं। आपको सुकून मिलेगा सर, शिकायत का कोई मौका ही नहीं मिलेगा उसकी तरफ से। यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है पता है? फोटो रख कर डील करने का तुम्हारा तरीका मुझे बहुत पसंद आया। पकिया। Yes. Show them. Hey you, come in. तो देख लिया? नकली नोट है सर। हाँ? नकली नोट है? हमें इन सब को बदलना है। एक बार हेरा फेरी करो, रातों रात रईस बन जाओ। एक कप 5, 10 कप 50, 10 लाख दोगे तो 50 लाख और 20 लाख दोगे तो 1 करोड़। हमारे देश में छपने वाले नोट और विदेश से छप कर आए हुए मेरे नोटों में माइक्रोस्कोप से देखने पर भी कोई अंतर नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि ये खतरनाक खेल खेलने के लिए मैंने सबकी जेबें भर दी है। नकली नोट छापते हो, जरा इसके बोल बचन तो सुनो। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो उसमें से एक बंडल ले लो और पकिया को अपने साथ ले जाओ। खर्च करो, खूब इंजॉय करो और अगर बच जाए तो पकिया को दे देना। आइडिया बुरा नहीं है, ट्राई करें क्या? ऊपर असली रखा होगा। ये क्या कर रहा है? कान के पास रख के काउंट कर रहा है? इसमें पूरे 100 हैं, पक्का। ये तो बहुत ही खतरनाक आइटम है। कम ऑन, क्या लेंगे सर आप? इसमें जो कुछ है सब लेकर आओ। आप क्या खाएंगे बताइए? मुझे 2 ब्रो। हम 2 ब्रो हैं, लेकिन आप क्या खाएंगे? वही तो मैंने कहा, मुझे काफी है 2 ब्रो। रमेश, सुरेश, हम दोनों ब्रो हैं, आप बताइए आप क्या खाओगे ब्रो? 2 पराठे तो बोल रहा हूँ ब्रो। हा? पराठे? तुम्हें पराठे चाहिए, खुल के नहीं कह सकते क्या? अब और कैसे खुल के कहूँ? जब 2 अलग लोग साथ हो जाते हैं तो उन्हें ब्रो ब्रो कहने लगते हैं। खाने की चीज को मैं ब्रो नहीं कह सकता क्या? मेरी इतनी भी हैसियत नहीं? यहाँ सिर्फ तुम्हारी हैसियत है। यही तो मेरा कॉन्सेप्ट है ब्रो। ये हमारा मजाक उड़ा रहा है ब्रो। ए वेटर, जल्दी से 2 पराठे और बाकी के आइटम ले गया। वेटर, 3 का बिल एक साथ लाना। टिप्स बाद में दूंगा, पहले पैसे जमा करके आओ। मैं शंकर भाई और मुन्ना भाई दोनों से मिल चुका हूँ, लेकिन ओरिजिनल नोट की तरह नकली नोट को चलाने वाला एक ही शैतान है, ये टकला शैतान। भूत बन के खड़ा कैसे देख रहा है ये? ओए चोरों की औलाद, नकली नोटों का खेल तो अभी शुरू हुआ है, वहाँ जो दिए गए वो असली नोट थे। ए, ओ टकले। हाँ? तुम मन ही मन में क्या बात कर रहा है? माय लवली ब्रदर्स, छोटा अमाउंट लेकर आओ और बड़ा अमाउंट लेकर जाओ। अभी तो सिर्फ झलक देखी है, पूरी दुनिया देखना अभी बाकी है। उससे पहले आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ विथ पासपोर्ट साइज फोटो मस्ट, अंडरस्टैंड?
अब लाओ, अपने हाथ को क्यों कष्ट दे रहे हो? लाओ, ये तो ये भी लाओ। ए, ये दीवी चीज वापस क्यों ले रहे हो? नोट बदलने का काम तुम्हारा है, नोट बदलने के बाद हमारा काम है। बाय। हम में और अमीरों में क्या फर्क है सुरेश? एकदम सिंपल है रमेश, जो सड़क पे कुत्ते की तरह घूमे वो गरीब, जो कुत्ता लेके घूमे वो अमीर। करोड़पति बन के भी तो कुत्ता लेके घूम सकते हैं। लेकिन हमें जो डील मिली है उसे कैसे पूरा करें? हमारा काम बन गया तो बढ़िया, क्यों ना शिवा को देकर देखते हैं। रमेश पहले उसे 10 देते हैं, चल गए तो वापस आएंगे 50, 50% हमारा 50% उसका होगा। उसकी बहन की बच्ची को बचाना है, हो सकता है काम बढ़ी जाए। ये डील तो सही है, पर इसके लिए वो ड्राइवर शिवा माने तब तो। उसे नकली नोटों के बारे में पता चला तो हम सलाखों के पीछे होंगे। शिवा से कैसे डील करना है मुझ पे छोड़ दो रमेश। चल उससे कोल्ड ड्रिंक पीते हुए सेट करते हैं। हमें जो फाइनेंसर मिला है उसे हमने सारी बातें बता दी, उसका कलेजा फटके रह गया। इस जमाने में भी अच्छे लोग हैं, वो पैसा देने के लिए तैयार है। बस छोटी सी शर्त है उसकी। उसकी शर्त क्या है? कुछ खास नहीं है बॉस, हमने उससे 10 लाख रुपए उधार लिए थे। अगर वो 10 लाख हम उसे लौटा देना तो वो हमें 50 लाख रुपए दे देगा। बिल्कुल बॉस, हमारे पास 5 लाख रुपए हैं। अगर तुम 5 लाख का इंतजाम और कर लो तो मिलेंगे 50 लाख, जिसमें 50% हमारा 50% तुम्हारा। हमारे पास पैसे जब आ जाएंगे तो हम उसे लौटा देंगे। बच्ची की जिंदगी बचानी है रमेश। पर पैसे तो वाकई मिल जाएंगे ना बॉस? उसके लिए चाहिए एड्रेस प्रूफ और फोटो बस। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। RC, इंश्योरेंस, कैंसिलेशन पेपर सब इसी में है। अब एक हफ्ते के लिए मैं अपनी गाड़ी आपके पास गिरवी रख रहा हूँ, मेरी भांजी हॉस्पिटल में है। और जरूरत हो तो बोलना। थैंक्स सर। अरे यार, ऐसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। 1 करोड़ रुपए दे दिए। तू टेंशन क्यों लेता है? ये पहुंचे हुए लोग हैं, तेरी जिंदगी बन जाएगी। बॉस आगे की तरफ चलो। एड्रेस प्रूफ दे दिया? दे दिया। इस पेपर में साइन करो। ठीक है बॉस, यही रुको। ठीक है, नमस्ते भाई। हाँ, ऐसा कहा है? कहीं मैं गलत फाइनेंसर के पास तो नहीं आ गया? 50 लाख है भाई। कुमार। हाँ भाई। इसे लॉकर में रख दो। आपकी वजह से मेरी बेटी की शादी अब आराम से हो जाएगी। जरूर हो जाएगी। नमस्ते, चलता हूँ। ठीक है, उसमें पूरे 50 है ना? हाँ, लेके आया हूँ भाई। 2 मिनट रुको। नमस्ते भाई। नमस्ते, तुमने 1 करोड़ जमा कर दिया ना? कर दिया भाई। थैंक यू भाई। कल आकर पैसे ले जाना। ठीक है, ओके। पैसे लो। ये लो भाई। ठीक है, अब शाम को आ जाना। शाम को नहीं, वो अभी दे दो ना भाई, अर्जेंट ये है। बीच में क्यों बोल रहा है? क्यों ऐसे लोगों को लेकर आ जाते हो? मैं तुम दोनों से डील कर रहा हूँ ना। वो बात नहीं है भाई, पैसे जरा जल्दी चाहिए थे। तुमने देखा नहीं, 2 दिन पहले पैसा जमा करके गए थे, उनका आज जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है। तुम्हारा अमाउंट भी बड़ा है, इसलिए तुम्हें आज नहीं मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स की इंक्वायरी करनी है, इसीलिए शाम को ही आना। रहने दो, मैंने जो पैसे दिए वो लौटा दो। अग्रीमेंट तैयार हो तो बता देना, तब आकर पैसा ले लूंगा। छोटे, बहुत अर्जेंट है क्या? हाँ बहुत अर्जेंट है। पक्या? यस। फॉर्मेलिटीज बाद में देख लेंगे, इन्हें अभी 50 लाख दे दो। ए कुमार, ले कैसे जाओगे? मेरी कार में। तुम अपनी कार कहीं और ले जाकर खड़ी करो, पैसा मेरी गाड़ी में जाएगा। पुलिस चेकिंग बहुत ज्यादा है, एरिया पार करते ही पैसा तुम्हारी गाड़ी में शिफ्ट हो जाएगा। ओके। ये तुम्हें कैसा लगा? सुपर अमेजिंग भाई। ए, ए, रुक, रुक, रुक। ए, गाड़ी रोक। पुलिस। सुरेश। अरे किसी को मत छोड़ना। ये पूरा ब्लैक पेन है, पकड़े गए तो गए। चलो पकड़ो उन्हें। सब भागो। अरे चलो चलो जल्दी निकल। चलो 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 चलो
चल सर, चल मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मुझे छोड़ दो। चल सर मुझे छोड़ दो, डाले से मुझे कुछ नहीं मालूम सर। सर सर मैं सच कह रहा हूँ, बाकी साथियों का नाम बताओ, मुझे किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है, ये हो क्या रहा है सब? अब क्या करें बॉस, जल्दी फोन करो। बॉस फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इस कमरे में कोई नहीं है, चाहे तो खुद देख लीजिए। सुरेश और रमेश बॉस सच्चाई बता दो क्या? सब गया, बच्ची के ऑपरेशन के लिए जो पैसा लिया था वो सब गया। फिक्र मत करो बॉस, सारे नोट नकली थे, लालच में आकर हमने आपसे झूठ बोला था। सोचा हम दोनों कुछ पैसे कमा लेंगे, गलती हो गई, सॉरी बॉस। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे तुमने। माफ कर दो बॉस, पैसे का इंतजाम हम कर लेंगे बॉस। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बॉस हमने सोचा आपके जरिए दो पैसे कमा लेंगे। बॉस हम पे भरोसा करो। लोगों से करोड़ों रुपए बटोर कर यहाँ इन चीजों पर उन पैसों को उड़ा रहे हैं, सोचता हूँ तो बहुत अजीब लगता है। सिम कार्ड हम झटके में बदल सकते हैं, पर फूटी किस्मत बदलना हमारा काम नहीं। हमारा अगला प्लान क्या है? पॉलिटिक्स है, राजनीति में जगह बनाना। राजनीति तो हमारी नींव है। MLA, MP, मिनिस्टर, और आखिर में बनोगे CM। आखिर में CM बनूंगा? यस। मुझे 70 साल में CM बनाकर तुम मेरा सब कुछ बटोरने की सोच रहे हो? भाई अगले इलेक्शन में मैं डायरेक्ट CM बनूंगा। How is it possible? लोगों को टोपी पहनाकर हमने करोड़ों रुपए कमा लिए, हम लोग कितने बड़े टोपी बाज हैं, लोगों को पता नहीं क्या? लोगों को पता है, फिर भी मैं ही बनूंगा CM। अब मैं राजनीति का खेल खेलूंगा और यहाँ की जनता उसमें हमारी पार्टनर होगी। लालच में डूबी हुई जनता को मैं अपना शेयर होल्डर बनाने वाला हूँ। क्या बात है भाई। हमारे स्टेट की टोटल जनता है 7,66,00,000, उसमें वोट डालने के लिए हकदार है 5,79,00,000, लेकिन वोट डालने वाले हैं 2.25 करोड़। दिमाग है। जो जनता को खरीद कर 1,72,00,000 वोट पाएगा वो CM। हमारा टारगेट है 2 करोड़ वोट। एक वोट की कीमत 10,000 है, तो 2 करोड़ वोट्स के लिए कितना जाएगा? ये तो आदमखोर शेर है, 20,000 करोड़ रुपए। इस वक्त हमारे पास कितना है? सुनो जरा जमीन पर रहो। 20,000 करोड़ नकली नोट छाप कर तुम ऐसा प्लान बनाओगे तो जिनके पास 2,00,00,000 है, 3,00,00,000 है, वो कैसा प्लान बना रहे होंगे? पैसे खिलाकर पावर खरीद सकते हो, सही है, लेकिन जनता को क्या खिलाकर हिस्सेदार बनाओगे ये बताओ। हलवा तुम्हें ही खाना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर। देखो इस लालची को। सब पर पानी फिर गया। मामा लव यू मामा, बाय मामा। लालच बुरी बला है, ये मत भूलो। तुम्हारे लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा, लेकिन जरा सी भी चूक हुई ना तो मेरी नौकरी तो जाएगी ही, साथ में मेरा इंटरनेट लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। थैंक्स सर। नंबर बताओ। 9863548823। जागृत। यस सर। एक नंबर बता रहा हूँ, चेक करो, 9863548823, इसका सही एड्रेस मुझे भेजो। ओके सर। क्विक। शिवा जो नंबर तूने दिया था उसका एड्रेस मैसेज कर दिया है, देख लेना। थैंक यू सर। अब बताऊंगा मैं क्या हूं।
सूट बूट पहनकर एसी रूम में पैरों पर पैर रख के 10 लोगों को काम पर रख के बिंदास नकली नोट छाप रहा है। ये बात पुलिस को नहीं मालूम होगी? वो इतनी उम्र में इतना शैतानी दिमाग रख सकता है, तो मैं इस उम्र में कितना दिमाग रखता हूँ ये मैं उसे बताऊंगा। दिन रात एक करके हम उसे पकड़ लेंगे। सुरेश, रमेश, तीन तिगाड़ा होता है, चौथा किसको शामिल करें? तीन का आंकड़ा कभी अच्छा भी होता रमेश, क्या है? आप जिसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं वो मेरे पति ही हैं, लेकिन उनका देहांत हुए 6 महीने हो गए हैं। कोई एक लुटेरा इस शहर में आया था, 1 का 10 मिलेगा, 10 के 100 मिलेंगे, ऐसे हमें सपने दिखाए। मैंने लाख समझाया लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। हम दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन हमारे बच्चे खुश नहीं रह पाते। बच्चों को खुश रखने के लिए हमने हमारा सब कुछ बेच ही नहीं दिया, बल्कि रिश्तेदारों से भी बहुत कर्जे ले लिए, और उन्होंने वो सब ले जाकर उस लुटेरे के हाथ में दे दिया, और वो कमीने रातों रात भाग गए। हम गरीबों की बद्दुआ लेकर वो जी नहीं पाएगा। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। माँ, ठीक है बेटा। फिर भी हम पुलिस में कंप्लेंट करने गए, लेकिन वहाँ पर हमें ही गलत ठहरा कर भगा दिया। रिश्तेदार अपने दिए हुए पैसे मांग रहे हैं, देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। वो उधार लौटा नहीं सके इसलिए ट्रेन के नीचे उन्होंने जान दे दी। मेरा बेटा बार बार पूछता है पापा कब आएंगे। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि वो इस दुनिया में नहीं है। उनके बारे में कोई जानकारी है? हाँ, उन्होंने एक नंबर दिया था लेकिन वो हमेशा ऑफ ही आता है। सर, वो एड्रेस करेक्ट है, उसने इस फैमिली को भी चीट किया है। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और नया नंबर दिया है सर, मुझे उसका एड्रेस चाहिए सर। नंबर भेजो। भेजता हूँ सर, थैंक यू। रुक जाइए। बोलो, क्या बात है? मुझे मेरे पापा का फोन नंबर चाहिए। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि तुम्हारे पापा एक दिन जरूर आएंगे। मेरी मम्मी मुझे स्कूल नहीं भेजती है, काम करने के लिए भेजती है। मैं हर सब्जेक्ट में 90 के ऊपर मार्क्स लाता हूँ भैया। मेरे पापा हमेशा कहते हैं अब्दुल कलाम अंकल जैसा बनना, मुझे पढ़ लिख कर अब्दुल कलाम अंकल जैसा ही बनना है। मैं तुमसे वादा करता हूँ अगले महीने से तुम जरूर स्कूल जाओगे। थैंक्स भैया। बोलो शिवा, एनी डेवलपमेंट? सर, वो अपने यहाँ एक कहावत है ना कि अभी मिला नहीं लेकिन क्लू मिल गया है। पर मुझे मदद चाहिए। ओके, डेफिनेटली। मैं जितने भी लोगों के पास गया हूँ उनमें से 90% को उसने चीट किया है। उसी तरह उसने मेरा भी आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लिया है। ये मेरा बैड लक है कि उसने मेरा एड्रेस प्रूफ लिया है, और वो मेरे एड्रेस पर सिम जरूर खरीदेगा। वो ऐसा करेगा तो वो नंबर मुझे चाहिए होगा। उसने चाहे किसी भी नेटवर्क से लिया हो, तुम्हारा फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ स्कैन करके कहां से लिया है पता लग सकता है, पर बाहर के किसी नेटवर्क से लिया है तो मुश्किल है। उसने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, मेरे जैसे हजारों लोगों को धोखा दिया इस बदमाश ने। कई लोग सुसाइड कर चुके हैं, उनकी फैमिली सड़क पर आ चुकी है। कितने बच्चे पढ़ाई छोड़कर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करके, अपनी हद को पार करके भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। तुम अपनी फोटो आईडी का प्रूफ मुझे तुरंत व्हाट्सएप करो। यस सर, अभी भेज रहा हूँ सर। हाँ बोलो यार। मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए। बोलिए सर। भाई, एक सिम दो। कौन सा सिम चाहिए आपको? कोई भी एक दे दो यार। तुमने जो एड्रेस भेजा था उस पे एक आदमी ने सिम खरीदा है। मैं उस एरिया का एड्रेस और नंबर भेजता हूँ। हाँ सर, बोलिए। शिवा, तुम्हारे एड्रेस प्रूफ पर मुसरी में कुछ देर पहले एक सिम कार्ड लिया गया है। वो नंबर मुसरी से इस वक्त मेरे पास आ चुका है। मैं तुम्हें वो नंबर सेंड कर रहा हूँ, तुम तुरंत उस इलाके में जाकर पता लगाओ और सावधान रहना। सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, मैं अभी निकल रहा है। कहाँ? मुजरी। ये खत्म हुए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। कहीं भी जाएंगे बॉस, बस जरा वेट करो। अरे सैकड़ों लोग हमारे आगे पीछे घूमते हैं और तू कह रहा है कि डुप्लीकेट्स हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे मैं एक पीस ले जाकर चेक करवा चुका हूँ, एकदम ओरिजिनल लगता है। अगर तू सच कह रहा है तो शक क्यों कर रहा है? अरे वो तो सही है, लेकिन 10 लोग मुझसे ले जा चुके हैं, सब कह रहे हैं ओरिजिनल है।
ठीक है, जब तुम ऐसी बातें कर रहे हो तो चलकर देख लेता हूँ। बताओ कब चलना शायद है? ये भी उन्हीं में से एक है। हम इसी काम के लिए तो निकले हैं, चलो इसे भी आजमा लेते हैं, क्यों है ना सुरेश? शुभ काम के लिए बाहर निकलो तो अंधा भी रास्ता दिखा देता है। ए, बेटा जल्दी आओ ना यार, मैं बुला रहा हूँ तो चुप कर। 450 रुपए हुए। ये रहा 500 और ये तुम्हारा टिप। ए, करोड़ से पैरामदूर का कौन सा शॉर्टकट है? कैसे जाएंगे आप? बार के सामने जो बड़ी कार खड़ी है वो हमारी है। अच्छा, आप यहाँ से सीधे जाइए, सीधे जाएंगे तो एक मोड़ आएगा, वहाँ से आप लेफ्ट ले लीजिए। तो फिर हम करोड़ चले क्या? जरूर चलेंगे सुरेश। अरे देर नहीं करेंगे, चलो चलो जल्दी। भाई भाई, हाँ आप अभी करूर का रास्ता पूछ रहे थे, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, मैं आपको रास्ता बता दूंगा, मुझे अर्जेंट वहाँ पहुँचना है। मैं आपके साथ चलूँ क्या? बेटा साथ में गोली भी खा लेना, भूल मत जाना। खा लूंगी माँ। माँ मैंने गोली खा ली है। ए भाई, मुझे आगे ड्रॉप कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त मिले तो मुझसे जरूर आकर मिलना, ये मेरा कार्ड है। करूर में मैं एक मशहूर रियल एस्टेट का ब्रोकर हूँ। ओके भाई, मिलते हैं। बिल्कुल। ओके भाई, हाँ ठीक है। बॉस हो जा रहा गाड़ी लेकर, चलो पीछा करो। आज ये भी पैसे देकर फंसने जा रहे हैं। हाँ, हम भी तो पहले ही शिकार हो चुके हैं। तकले को उठाते हैं बॉस। उससे खतरा होगा, हमेशा ताकत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, दिमाग भी करना चाहिए। हेलो चेस्टर, करूर पुलिस स्टेशन का नंबर चाहिए। अभी भेजती हूँ सर, आप वेट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो करूर पुलिस स्टेशन। हाँ बोलिए सर। करूर टू कोयम्बतूर, त्रिपुर टू चेन्नई, कनेक्टिंग हाईवे सर। दो गाड़ियों में 500 करोड़ के ड्रग्स जा रहे हैं सर, आप उन्हें पकड़ सकते हैं। हेलो, तुम कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो? हेलो, सारे चेक लाके लॉक करो और हर एक गाड़ी की चेकिंग करो। तो तैयार है ना भाई? मैंने यहाँ 15 लोगों को तैयार किया है। लोग कैसे हैं? सब बिग पार्टी है भाई, यहाँ लोग 20 से 50 लाख देने को तैयार हैं। यहाँ हमारा मकसद जरूर पूरा होगा। यहाँ की डील खत्म होते ही हम लोग लेबनान चले जाएंगे और वहीं से खेल शुरू। ओके भाई। सर करूर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, पुलिस आपको टेस्ट कर चुकी है। आप सारी गाड़ियों को वापस बुला लीजिए, मामला बहुत ही गर्म है। हेलो हेलो, तुम लोग यहीं रहो। पक गया, जल्दी आ। क्या हुआ? क्या पुलिस यहाँ कभी भी रेड मार सकती है। सारे दरवाजे बंद करो, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जल्दी करो। ए गाड़ी रखो, अभी आप लोग यहाँ से जाइए, साहब बहुत बिजी है, चलिए जाइए जाइए। अरे भैया, ये क्या बात हुई भैया? दरवाजा बंद कर, मासूम सब कुछ यहाँ से हटाओ, 5 मिनट में जगह खाली करनी है। तू उधर क्या कर रहा है, जल्दी इधर। सब जल्दी पैक करो, इतना धीरे धीरे करोगे तो कैसे काम चलेगा, जल्दी करो, चले जा जल्दी। फोन करने वाले ने मुझे अपना नाम नहीं बताया सर। तुम्हारा फोन बजा, उठाओ। कौन है? 5 है सर। ये नंबर पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचा? सर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे हमने किसी एक को भी पकड़ लिया तो हमें रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। जरा एक मिनट रुको।
दामोदर वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी है उन्हें चेक करो। ये एड्रेस बता सकते हैं क्या सर? इसको रोको, इसको रोको। हाँ, पेपर निकालो, इंश्योरेंस दिखाओ। हाँ, अच्छा वो लाइट दिख रही है ना, वहां से सीधे जाके राइट में मुड़ जा रहा। ए बुद्ध पांडे यहाँ आओ, जाकर देखो कि पुलिस कहाँ कहाँ पैरा लगा कर बैठी। जाओ, ठीक है। हाँ जाओ जाओ, बेकार में यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें लगता है वो अभी रूम के अंदर ही कहीं बैठे। हाँ सर। क्या हुआ बॉस? अब खेल देखते जाओ। भाई मेन रोड को दोनों तरफ से पुलिस ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। पक्या? हाँ। इस एरिया में किसी भी अनजान जगह पर पैसों वाली गाड़ी को पार्क कर दो। ओके ओके ओके। देखना किसी को शक ना हो। ओके बॉस। उस पर नजर रखना, खतरा टलने के बाद हम उसे ले आएंगे। हाँ। जाओ। और हाँ, सब केयरफुल रहना। ओके ए, सुनो जल्दी करो, टाइम नहीं, जल्दी करो। सुनो, ये जगह हमारे लिए सेफ है, भाई से बात करता हूँ, तुम लोग अंदर ही बैठो। कौन हो भाई तुम लोग? नमस्कार, ओनर ने हमें भेजा है। मेरा ओनर तो सिंगापुर में है, फिर तुम्हें किसे भेजा? नहीं नहीं, उन्होंने ही हमें भेजा है, ये लीजिए पकड़िए। फिर तो ओनर ने ही भेजा होगा। वैसे तुम्हारी गाड़ी के अंदर क्या है? कुछ कीमती सामान है। कीमती सामान? हाँ। इसे तुम कब आकर ले जाओगे? कल सुबह 4 बजे तक आकर ले जाएंगे। ठीक है, फिर तुम लोग जाओ। ठीक है, जाओ। नमस्कार सर। भाई गाड़ी एक सेफ जगह पहुंच गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। सर, सर, ये क्या है? लगता है चढ़ गई। सर, सर। हाँ बोलो। हे, कितनी बार फोन किया तुझे, तू फोन क्यों काट रहा था? अरे मैं एसपी से बात कर रहा था, इसीलिए तुम्हारा फोन काट दिया। हे, तेरे कहने पर ही मैंने चोरी का काम छोड़कर बिजनेस शुरू किया, और तू ही मुझे पकड़ने के लिए आया। तुम्हें पकड़ने कौन आया था? अनजान नंबर से हमें एक फोन आया, इसीलिए हम चेक करने आए थे। वैसे तुम कैसे हो? हेलो हेलो, लाइन पे हो ना? हेलो हेलो, उठाओ इसे। बरसों की मेहनत एक ही रात में साफ हो गई। हम यहां से तिरुपति जाएंगे, माल को ठिकाने लगाने के बाद उस टकले से निपटेंगे। ए, गाड़ी और तेज चला, और तेज चला, उसे करूर का चेकने का पास नहीं होने देना है। ए, वो चला, देख, हाँ, वो जा रही है, तेज चला, तेज, और तेज। वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। ऐसी बात है, अब क्या किया जाए? बॉस, उन्हें चकमा देकर भाग निकलना है। गाड़ी स्लो करूंगा, तुम लोग कूद कर भाग निकलना। कल वहीं पर मिलेंगे, पैसे बांट लेंगे। बॉस, सुरेश, रमेश,
जंप। रमेश। हाँ बोल सुरेश। फोन स्विच ऑफ है रमेश, ऑन करके बात करना। मेरा फोन नहीं रमेश, उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। तो फिर उसे ऑन करने को बोल। अरे यार वो ऑफ है। फिर उसे कॉल करके बोलना फोन को ऑन करे। सुरेश औरों की तरफ बात करके मेरी जान मत खा, मैं सुसाइड कर लूंगा। रमेश तू एक ही बात को रिपीट करके मेरी जान मत खा। सुरेश तुझे तो मैं। कौन था वो? सर था, छोटा सर था। बेवड़े, किसका सर था? इस शहर में रहकर भी पूछ रहे हो किसका सर था? इतने ना समझ हो गए हो क्या? अजीत का? हाँ। उसके साथ? सिंभु। हे, वो अभी बच्चा है, वो ये सब क्यों करेगा? उसके अलावा और कौन था? उसका नाम ना, वो नया लड़का आया है ना जो रजनी सर की तरह दिखता है। तू पागल हो गया क्या? रजनी सर के बारे में यहाँ पे हर कोई जानता है, ठीक से बताओ कौन था? उनके नाम के साथ कुछ स्टार जुड़ा हुआ है। कौन है? मेगा स्टार? नहीं। रॉ स्टार? वो भी नहीं। जूम स्टार? बिल्कुल नहीं। ब्राइट स्टार? नहीं नहीं नहीं। राउंड स्टार? कभी नहीं। फोर स्टार? नहीं। टू स्टार? नहीं 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 नहीं। ऊपर से लेकर नीचे तक इससे ज्यादा और कोई स्टार नहीं है। ठीक से बता यार कौन सा स्टार है? उस स्टार का नाम जो है ना वो मेरे दिमाग में है पर जुबान से निकल नहीं रहा। कम ऑन, पावर कट हो गया यार। यस एग्जैक्टली, वही था वही था, पावर स्टार। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पावर स्टार? तो अजीत, यस, सिंबु, पावर स्टार, ये तीन लोग आए थे है ना? हाँ यही तीन लोग आए थे। ए जिंदा, पिक अप द मास्क मैन। पकिया, कम ऑन। अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये कौन है? टकला। मास्क हटा दो पकिया। नाउ सेम वर्ड, टकला। क्यों रे? पकिया के चेहरे पर मास्क लगाने के बाद भी तूने पहचान लिया, लेकिन वहां जो तीन आए थे उन्हें नहीं पहचाना। ये मास्क पहने या फिर ना पहने, लगता तो हमेशा लंगूर ही है ना। पकिया, इसकी अच्छी तरह खातिरदारी। क्यों रे? मुंह में जुबान है तो जो भी मन में आएगा बकेगा। तेरी तुम्हारे नहीं, नहीं, नहीं। पकिया, इसे स्टोर रूम में बंद कर दो। इसे स्टोर रूम में ले जाकर बंद कर दो। पकिया, अब तक हमारी जाल में जितने लोग फंस चुके हैं उन सब के नामों की लिस्ट जल्द से जल्द मेरे सामने पेश करो। ओके भाई। सुरेश, अब मुझे डाउट हो रहा है, मैं जब भी फोन करता हूँ उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लगता है वो सारे पैसे लेके फरार हो गया। रमेश, हजारों गुनहगारों पर शक करना वाजिब है लेकिन एक बेगुनाह पर शक ठीक नहीं। हमारे गए हुए पैसे हमें ढूंढ कर उसने दिए हैं, वो फोन करेगा। उसके फोन आने तक मैं इंतजार नहीं कर सकता। सुरेश तू सोच कर देख। क्या सोचूं? सपोज इन केस बाय चांस, सबका मतलब एक ही आगे बोलना, वो नकली को असली बना रहा हो। समझदार होकर ना समझ बनना बेवकूफी के लक्षण होते हैं, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है। रमेश कुछ समझा नहीं यार। मैं समझ गया हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ यार, अब चलो ढूंढते उसे। माँ, मामा जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। माँ कहीं बाहर गया होगा बेटी।
तुम्हारी जान पहचान वाला हो, कोई रिश्तेदार हो या फ्रेंड हो, उनमें से कोई भी खास तीन लोगों को पहचान कर तुम उनका नाम बता सकते हो शिवा? किसी को रोड पे ढूंढ सकते हैं पर ऐसे रोड पे भटक नहीं सकते। मुझे भूख लग रही है। तुम चिंता मत करो रमेश, ऊपर वाले ने मुंह दिया तो खाने को नहीं देगा क्या? अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा खोल देगा फोटो वाला। हेलो, मेरी गाड़ी पे एक फोटो मिली है, क्या मैटर है? छोटा सा मैटर था इसीलिए रखा है। हाँ बताइए ना क्या मैटर है? ये बात मैं फोन पे नहीं बता सकता सर, आमने सामने बात होगी, इसीलिए आप जल्दी से बीच रोड पे आ जाइए। ठीक है आ रहा हूँ। सर एक जबरदस्त चीज आई है, बिल्कुल टमाटर के जैसी लाल लाल, हाथ लगाते ही शोला बन जाएगी वो। अच्छा ऐसी बात है, हम शोला बुझाने वालों में से हैं। क्या कहा? पुलिस वाले फायर फाइटर से कम होते हैं। रमेश बोल भाई सुरेश, इससे अच्छा तो हम रोड पे भीख मांग लेते। बार बार के जूस निकाल दिया हमारा। इसका तो रिंग हो रहा है। नेक्स्ट। इसका भी हो रहा है भाई। नेक्स्ट। ये तो तंजावुर का है, शर्म के मारे मरना चाहता है। ये ही रोड का हीरो है भाई, इसका मुर्गी का धंधा है, आज मुर्गी मंगवा कर पका ले क्या? ये रोड में पागलों की तरह भटक रहा है, ये झटपट लॉटरी चलाता है भाई, इससे मैं मिल चुका हूँ। इसकी बीवी बहुत खूबसूरत है, ये एक बार खाकर अगर सो जाए तो फिर उठता ही नहीं है, डीप स्लीप। इसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, नकली नोट के धंधे में ये आखिरी में आया था। तुम मानो या ना मानो भाई, मुझे सबसे ज्यादा इसी पर शक है। यह भी शक है कि इसी ने हमारे लिए जाल बिछाया है जिससे हमारी मौत पक्की है। यही तीनों थे। सुनो अजीत, सिंबू और पावर स्टार का मास्क लाओ। ओके सर। ए, उस बेवड़े को कमरे से बाहर लाओ। सर इन तीनों को देखो। वो यही था सर, बिल्कुल यही था। याद आया, इसके एड्रेस पे हमने एक सीन खरीदा था। हाँ भाई वो मेरे पास है। सर में चोट की वजह से नसों में सूजन है, इसलिए उसकी एक्टिविटी खत्म हो गई है और मरीज की याददाश्त गुम हो गई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सो वी कॉल्ड इट सेरेब्रल कॉन्टैक्ट्स डैमेज। इज देयर एनी हेमरेज डॉक्टर? नो, स्लाइट स्वेलिंग, कुछ याददाश्त गई है, मेरा मतलब है रीसेंट मेमोरी लॉस। 3-4 महीने के अंदर घटी घटनाएं उसे ठीक से याद नहीं रहेंगी, उसके पहले की घटनाएं या जो भी बातें हैं वो याद रहेंगी। अकॉर्डिंग टू आवर ट्रीटमेंट ही शुड बी परफेक्टली ऑल राइट विद इन अ मंथ डॉक्टर। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद पेशेंट का रिएक्शन कैसा रहेगा डॉक्टर? जब तक उसकी मेमोरी पूरी तरह से वापस नहीं आ जाती उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओह आई सी। हैव अ रेगुलर क्लिनिकल चेकअप। थैंक यू डॉक्टर। माय प्लेजर। हमारे भगवान तुम हो दयावान, अगर हमारे खोए हुए पैसे वापस मिल गए 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, वादा करता हूँ आपके चरणों में अपने बाल भी चढ़ा दूंगा प्रभु। अल्लाह हमारी फरियाद सुन ले, हमारी दुआ कबूल कर ले। तुम भी तो कुछ बोलो रमेश। बोलता हूँ सुरेश। अल्लाह अगर हमें वो पैसे वापस मिल गए ना तो मैं और सुरेश बिना भूले सऊदी में आपके जो मक्का है ना वहाँ पर पैदल चल कर आएंगे। अल्लाह ए उन दोनों को इधर बुला कर लाओ। पूरे संसार की रक्षा करने वाले यीशु मसीह, हम दोनों मजबूर आपके सामने अपना दुखड़ा रो रहे हैं प्रभु, तुमसे विनती कर रहे हैं प्रभु। सारे परलोक के स्वामी हमारे प्रभु, हे परम प्रभु, हमारी बात सुन ले परम पिता, पूरी तरह सुन ले। तुमसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, विनती करते हैं, तुम्हारे चरणों में गिरकर भीख मांगते हैं प्रभु, भीख मांग रहे हैं। हमारे खोए हुए पैसे हमें मिल गए तो आपकी सेवा में अपनी जिंदगी गुजार देंगे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुन ले परमेश्वर, हम आपके सामने अपना सर झुकाते हैं, झुकाते हैं परमेश्वर। परमेश्वर है? भाई बुला रहे हैं। अब नया भाई कौन है? रमेश। सुरेश। हम ऊपर वाले को याद कर रहे थे, नीचे वाले कहाँ से आ गए? नमस्ते भाई। सुना है कि घर का भेद लोग मंदिर में जाकर सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम दोनों तीनों अलग अलग ईश्वर के पास जाकर क्यों फरियाद कर रहे हो? कैसी भी करके हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तुम दोनों यहाँ किस लफड़े में फंस कर आए हो? धर्म का लफड़ा है, बैंक में डाका डाला है। हमारे पास एक भी घोड़ा नहीं, हम डाका कैसे डालेंगे? राजनेताओं से उलझ कर अंदर आए हो। राजनीति को हम जानते नहीं है तो हम उनसे क्यों उलझेंगे भाई? ऐसा कुछ नहीं है भाई, कार में हमने एक फोटो रखा, हमें पकड़ के अंदर डाल दिया। कार में बॉम्ब छोड़कर तुमने ऐसी वैसी फोटो क्यों डाली? कोई ऐसी वैसी फोटो नहीं थी। क्या
मजेदार फोटो थी। मजेदार फोटो? उसे तुमने वहाँ क्यों रखा? इसके लिए आप तो ऐसे अंजन मन रहे हो जैसे कभी कुछ किया ही ना हो। इन्हें देखकर ऐसा ही लगा था। इधर आओ। आपको रेट जाननी है क्या? लगता इन्हें भी एक फोटो चाहिए। दलाली का काम करते हो तुम लोग? मजबूरी में कर रहे हैं भाई, ये अपने लिए नहीं कर रहे, इसका एक फ्लैशबैक है। कर रहे हो फ्लैश गिरी, और उसका भी फ्लैशबैक है। सच कह रहे भाई, नौकरी होती तो हम ऐसा क्यों करते। हमारी बातों से इमोशनल हो गया। मजबूरी में कर रहे हो? हाँ भाई, हमारे दोस्त की भांजी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। उस बच्ची को बचाने के लिए मैं सुरेश और मेरा दोस्त रमेश दर दर की ठोकरे खा रहे और हर किसी के पैरों पे गिरकर भीख मांग रहे हैं। कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। उस बच्ची को बचाने का हमारे पास एक ही रास्ता बचा था, इसीलिए कार में फोटो रखी थी, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात शंकर जी के दर्शन हो गए हो। अब आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं महादेव। कृपा कीजिए हम पर, कृपा कीजिए। और इमोशनल मत करो, चलो उठो। दूसरों की भलाई के लिए अपनी इज्जत की परवाह किए बिना दलाल का काम कर रहे हो, ऐसा इंसान पहली बार देख रहा हूँ। तुम दोनों के जैसा इंसान इस संसार में कहीं और हो ही नहीं सकता। यस, ये तो सच है। फोन दे मुझे। हाँ भाई बोलो। ओए वकील, मेरे दो खास आदमी हैं, उन्हें तुरंत बाहर निकालना है। मेरी सारी जायदाद बिक जाए तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन इन दोनों को बाहर निकालना ही है। उनका केस क्या है बताइए, मैं फाइल तैयार करता हूँ। भाई क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रहे हो, बात क्या है बताओ। दूसरों की भलाई के लिए दलाली का काम करते हुए पकड़े गए और यहाँ पहुंच गए बेचारे। अरे भाई तुम क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बात जो भी है जरा खुलकर बताओ ना। सुनो, दूसरों की भलाई के लिए दलाली का काम करते हुए पकड़े गए और यहाँ पहुंच गए। हमारी इज्जत को फुल वॉल्यूम में ब्रॉडकास्ट कर रहा है रमेश। तुम्हारा नाम क्या है? शिवाजी। करते क्या हो? कॉल टैक्सी ड्राइवर हूँ। घर पे और कौन है? दीदी और उनकी बच्ची। और रहते कहाँ हो? पौंडीचेरी बीच साइड, रूम नंबर 3। ओ, ये लो, ये दवाइयां लेते रहना। मुझे हुआ क्या डॉक्टर? डोंट वरी शिवाजी, इट्स अ माइनर एक्सीडेंट, यू विल बी ऑल राइट। खाने में आयरन वाले फूड ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तुम्हारे लिए कंपलसरी हैं। वीकली वंस यहाँ चेक करवाने आना होगा। ओके डॉक्टर। तुमने अपना नाम क्या बताया? शिवाजी। और हाँ, वो तुम काम क्या करते हो? मैं कॉल टैक्सी ड्राइवर हूँ। You are completely all right, शिवाजी। ये लो गाड़ी की चाबी। Thank you, डॉक्टर। लगता है डॉक्टर मुझसे कुछ छुपा रहा है। एक किस बेवकूफ ने मेरी गाड़ी पर स्टिकर लगाया है? सब जगह लगा दिया। अरे मेरी गुड़िया रानी, अब तक तो कहाँ था, तेरा फोन भी स्विच ऑफ था। तेरे बिना ये कितनी परेशान होती है पता है ना? वो हॉस्पिटल में था। क्यों, क्या हुआ तुझे? बुखार आ गया। बुखार था तो हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते थे, अब तुम्हें पराया समझने लगा है। छोड़ो ये सब, चलो खाना खाओ। दीदी पहले रूम में जाता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ फिर आता हूँ। ठीक है, तुम अपने रूम में ही रहना, मैं इसके हाथ खाना भिजवाती हूँ। हाय गुड़िया। मामा आप कहाँ चले गए थे? हा? पता है मैंने आपको कितनी बार फोन किया। क्या बताऊं गुड़िया, फोन गुम हो गया था। ये लीजिए। सुबह ना वो दीदी आई थी। कौन दीदी? वही जिसके आने से आपके कान में म्यूजिक बजता है। वो म्यूजिक वाली? क्या कर रही थी? वो पूछ रही थी आप कहाँ है, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। क्या पागलों जैसी बात कर रही है, गोली दे। ये रख दे, बाथरूम से आता हूं।
बच्ची जरा क्रिटिकल कंडीशन में है। इतनी जल्दी सो गई? वैसे तो बीमारी फाइनल स्टेज पर है, इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा। इसमें करीब 20-25 लाख लग जाएंगे। सो गई गुड़िया। इंजेक्शन लगा रहा हूं, डरना नहीं। हाँ, डरने वाली कोई बात नहीं है, बच्ची को फूड पॉइजनिंग हो गई है। इसे आप बाहर का कुछ भी खाने को मत दीजिए। हाँ, ये इन्फेक्शन उसी वजह से हुआ। मैंने इसमें दवाई लिख दी है, ये ले लीजिएगा। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है। फीस कितना? 500। तेरे पास है? हाँ है, ये लीजिए। ओके, शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक्स। तो अभी सो क्यों रही है? हाँ, हमेशा बाहर की चीज खाती रहती है। सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा, पैकेट वाली चीज में पॉइजन होता है। दोबारा पैकेट वाली चीज मत लेना। जैसे पढ़ाई में ध्यान देती हो, वैसे ही खाने पर भी ध्यान देना। मेरी बात नहीं मानी तो बात नहीं करूंगा। तो कुछ बोल क्यों नहीं रही? ठीक है मामा। यहाँ शिवाजी है क्या? कौन सा शिवाजी? वो ये वाला। अच्छा, ये शिवा छोटू? हाँ। वो तो 10 साल पहले ही यहाँ से चला गया। हाँ। सुना है आजकल पांडिचेरी में कहीं रहता है, आपको उससे क्या काम है? उसके नाम का एक इनाम निकला है, उसे देने के लिए हम यहाँ हैं। ओह, तो ये बात है। उसका एड्रेस क्या है? एड्रेस तो मुझे नहीं पता, पर फोन नंबर दे सकता हूँ। हाँ। क्या हुआ पक्या? भाई यहाँ से गए हुए उसे 10 साल हो गए। अभी कहाँ है वो? पांडिचेरी में ड्राइवर का काम कर रहा है। उसका एड्रेस तो नहीं है, नंबर मिला लेकिन वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। पांडिचेरी चलो। हेलो, सूरत है। ए, जरा उधर देख। ये मेरी तरफ क्यों देख रही है? मैं लाइन मार रहा हूं, ये उसे पता चल गया होगा। ओह गॉड, वो तो यहीं आ रही है, बचा ले मुझे। मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो तुम मुझे ऐसे अवॉइड कर रहे हो? हाँ? मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया, मुझे अच्छे लगे इसीलिए मजाक किया। अजीब बात है, ये मुझसे ये सब क्यों कह रही है? तुम मुझे प्यार करते हो, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। प्यार? तुम्हें मुझसे प्यार था तो मुझे बताना चाहिए था, पापा को बताने की क्या जरूरत थी? ये मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आई एम सॉरी। मेरे पापा ने जो कुछ किया उसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, इसी से पूछ लो। ये क्या बोले जा रही है? अब आज के बाद टॉर्चर मत करना। I'm really sorry. I love you. ये तो पागल है। एक मिनट। ये मुझे क्यों बुला रहा है? इसको कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ, प्यार का कंफ्यूजन। प्यार कंफ्यूजन की चीज नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, चलता हूँ। वो तो बिना कुछ कहे चला गया। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? जब तू ध्यान नहीं देती थी तब भी वो तेरे पीछे आता था, अब भी वो पीछे आएगा। एक्सक्यूज मी। हाँ? एक मिनट। बात पूरी भी नहीं हुई और जनाब हाजिर हो गए। ये लो, ये इस इलाके का बेस्ट साइकेट्रिस्ट है, इसको उसके पास ले जाना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर मेरी मदद चाहिए तो ये नंबर है, कॉल कर लेना। बाय। क्या कहा उसने? तुम्हें पागल समझ रहा है और साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए कह रहा है।
हम लोग जो उसे टॉर्चर कर रहे हैं ना, ये उसी का रिएक्शन है। ये हमसे ओवर स्मार्ट है, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। वाली गाड़ी वहाँ पर। बॉस जरा वेट करोगे क्या? मैं अपनी लवर को लेकर आता हूँ। ठीक है साहब। दाढ़ी बढ़ गई है पर किसी तरह से मना कर ही रहूंगा। ये इससे प्यार करती है? आ रहे आ रहे। उन दोनों के बीच में क्या लफड़ा जरा देखो। वो आ रहा है। एक्शन। मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पिछले 6 महीने से तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ। ये ले लो, मैं ये इतने प्यार से लाया हूँ, तुम इसे मसल क्यों रही हो? देखो, देखो तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं पिछले 6 महीने से तुम्हारे पीछे भटक रहा हूँ, तुम समझती क्यों नहीं? ये मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की होने नहीं दूंगा। कौन है तू और इसके पीछे क्यों? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये मुझे क्यों पीछे मार रही है? तुम इसे समझाओ, मैं इसके पीछे सड़क घूम रहा हूँ, पागल बना के रखा है? नहीं भाई साहब, आप नहीं समझोगे। ये तमाशा करने के लिए टैक्सी लेकर आए हैं क्या आप? क्या बताऊं बॉस, इस लड़की ने मुझे पागल बना दिया है। तुम ही देखो कैसे घूर रही है मुझे। एक मिनट। हाँ, लगता है काम बन जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? वो भी याद नहीं है। खेल रंग लाया। अंजलि। अंजलि मैडम, अगर फोन पर तुमसे कोई कहे कि तुम ऐश्वर्या हो तो तुम क्या कहोगी, क्या जवाब दोगी? रॉन्ग नंबर कहकर कट कर दूंगी। हाँ, कट कर दोगी ना। उसी तरह अगर तुम्हें कोई आई लव यू कहे तो तुम कह सकती हो ना, आई डोंट लव यू, सॉरी मैं प्यार नहीं करती, आप जाइए। उसके बजाय आप उसे एक बढ़िया सा लुक देंगी, अपने पीछे 6 महीने भटकाएंगी, उसके बाद यहाँ बीच सड़क पे सबके सामने उसकी बेइज्जती करेंगी। बेचारे पीछे घूमने वालों की भी कोई इज्जत होती है ना, उन बेचारों को बेवकूफ समझकर तुम उनका मजा लेना चाहती हो। तुम ये सब कह रहे हो? हाँ मैं ही ये कह रहा हूँ, तुम्हें इज्जत चाहिए तो इज्जत देना सीखो। ओके, ये मुझे क्या पाठ पढ़ा गया? ब्रदर, ब्रदर हमें कैसे भी मिला दो ब्रदर, अब मैं उसके बिना जी नहीं सकता ब्रदर। ब्रदर यही तो है मर्दों की कमजोरी, लड़की ना कर दे इसके बाद भी अगर उसके पीछे भटकते रहोगे तो वो कभी हाँ नहीं कहेगी। ब्रदर मैं 6 महीने से उसके पीछे भटक रहा हूँ। इसे कैसे समझाऊं? एक पते की बात बताऊं? हाँ बताइए। 6 महीने तक एक ही लड़की के पीछे घूमने वाले को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। सुना तूने? नहीं ब्रदर, मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। ओए, ना के सामने भरोसा किस काम का, सारी गलती तेरी है। ये यहाँ पर नाटक कर रही है, तू एक अच्छी सी लड़की ढूंढ और उसे इसके सामने लाकर तू भी नाटक कर। ठीक है ब्रदर। अच्छा सुन, मेरा टैक्सी किराया दे, मैं चलूं। हाँ, देखा ना यार, दोनों को पाठ पढ़ाया, मुझसे पैसे भी ले गया और तुम्हारा काम भी नहीं हुआ। ठीक है, ओवर एक्टिंग की है तुम लोगों ने और शायद वो समझ गया है, नेक्स्ट टाइम कोई और प्लान बनाओ। सुरेश, हम लोग इज्जत के साथ बाहर निकल के आ गए, इसके लिए उस महान इंसान को थोड़ा तो शुक्रिया कहें। सुरेश, ऑर्डर प्लीज, एक जूस लियो। सुरेश, रमेश, बॉस, परम पिता हमारा साथ कभी छोड़ने वाले नहीं है। ये लोग कौन है, यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? बॉस, हाउ आर यू बॉस? अरे हाथ तो मिलाओ। तुम लोग? ऑल इज वेल, बाकी सब तो सेफ है ना बॉस? हमने कितनी बार ट्राई की बॉस, लेकिन आपका फोन तो स्विच ऑफ था। सर जूस। अब जूस लोगे तुम? जरा गाढ़ा लेकर आओ। बात तो जान पहचान वाले जैसे कर रहे हैं, कहीं मेरे कस्टमर तो नहीं? आप पीजिए, पीजिए, पीजिए। सुरेश, तू कुछ भूल तो नहीं रहा? तुम पियो बॉस। रमेश, समय देखकर बात करनी चाहिए। बॉस, हमें पहचाना ना? अभी अभी मिले तो पहचानूंगा कैसे? हाँ पहचाना। बॉस पैसे है ना? जेब में पैसा नहीं तो यहाँ जूस पीने क्यों आया? कहाँ है? कहाँ है? सुरेश, रमेश, लुक एट द बैक। पीछे कौन है? कोड वर्ड। कोड वर्ड? बॉस, पूरे पैसे कहाँ है? पूरे पैसे चाहिए? आओ मेरे साथ। यस, चलो। तुम लोगों का पूरा पैसा है ना, वो वहां पर है, जाओ और जाकर ले आओ। मजाक करता है? और एक दे सुरेश। कौन हो तुम लोग? कौन है हम लोग? सुरेश, मैंने पहले ही कहा था ना कि एक फ्रॉड है, लेकिन तूने कहा था कि ये बहुत ईमानदार है, अब देख ले कैसा ईमानदार है ये। गलतियां हो जाती हैं यार, लेकिन उनको सुधारना भी चाहिए। हम लोग
छे, जस्ट मिस्ड। चोर चीटर्स कहीं के सिर्फ मेरे पैसे ही नहीं डकारे बल्कि पुलिस और औरत के चक्कर में फंसा कर मुझे एक आंख से काना बना दिए। भाई तुम्हें भी मेरे जैसा फंसाया, इस गन की सारी गोलियों पर उनका ही नाम लिखा है। बहुत दिनों से ये गन मेरे पास बेकार पड़ी थी, मैं उन लोगों को मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें दोबारा कहीं नजर आए ना तो पुलिस के हवाले कर देना, पक्का फ्रॉड चीटर है। मैं बच गया, वरना मैं भी आज उनके चक्कर में फंस जाता, तो होशियार रहना पड़ेगा। सुरेश, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है सुरेश। मैंने पहले उसका चेहरा देख के बताया था कि वो एक फ्रॉड है। उसने पक्का प्लान बनाया और हमें उस गाड़ी से बाहर फेंक दिया। बताना पड़ेगा उसे, बताना पड़ेगा हम क्या है। वो बस आता ही होगा। उसकी तरफ मत देखो, उसे शक हो जाएगा, कहीं और देखो। हेलो सर। हाँ हेलो। वो क्या है ना, आज मौसम बड़ा ही रोमांटिक है, हमें कहीं घुमाने ले चलो। आओ बैठो। अरे मत देखो उसे। अरे मेरी प्यारी जान, तुझ पे मेरी जान कुर्बान। 6 महीने घुमाया तुमने मुझे, 6 मिनट अपने करीब बिठाने के लिए। लगता है दोनों का मामला सेट हो गया है। चलो अच्छी बात लग रही है। क्यों ब्रदर, लगता तेरा मामला सेट हो गया। ब्रदर सेट करवाने वाले आप ही तो हैं। ए, मजाक उड़ा रहा है। मैं सच कह रहा हूँ ब्रदर, इसने आकर मुझसे सॉरी कहा और मुझे एक्सेप्ट कर लिया। सच्चा प्यार जो है ना, वो कभी नहीं हारता। पहली हार यानी जीत की शुरुआत। 1 मिनट रुको, मैं आया। ए, ये हमें यहाँ बिठा कर शॉपिंग करने चला गया। हाँ था जा। देखो वैसे भी हमारे नाटक का इस पे कोई असर नहीं हो रहा है, अब तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनी जाओ। ठीक मत यार, मजाक नहीं कर रहा। अच्छा ये बता कहाँ चले। जहाँ तुम कहो। क्या ब्रदर, ये इतना बड़ा पैकेट क्यों है? सरप्राइज। ये शिवा मामा आ गए, शिवा मामा आ गए। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो तुम लोग? ब्रदर तुम लोग अंदर क्यों, बाहर आओ। पकड़ो इसे, कितने महीने से पीछे पड़े थे, आखिर आज तुम्हारी जीत हो ही गई। मैडम तुम भी आ जाओ ना। चलो इसे बच्चों में बांटो। संभाल के, हाँ बच्चों में बांटो सब। ठीक है, दे रहा हूँ। रुको रुको, हाँ ये लो, एक करके। ये मुझे भी। शिवा मामा मुझे चाहिए। शिवा मामा ये मेरा। मामा दो ना। मामा। हाँ बेटा। बिरयानी क्यों बांट रहे हैं? वो जो दीदी है ना, वो उस भैया से प्यार करती है, इस खुशी में सबके लिए बिरयानी लाई है। क्या कहा, अब वो उससे प्यार कर रही है? हाँ। पिछली बार आए थे तब वो आपसे प्यार कर रही थी, अब वो उससे प्यार कर रही है। क्या लड़कियाँ ऐसी होती है मामा? कुछ भी बोलता है, जाओ उधर। ये इस तरह की हरकतें आखिर कर क्यों रहा है? लगता है अभी तक उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो नन्ही सी जान छोटा सा बच्चा पहचान गया। क्यों ब्रदर, किस कंफ्यूजन में हो? एक बात बताओ, वो मुझसे प्यार नहीं करती, पिछले 6 महीने से वो तुमसे प्यार करती आ रही है। मैं उसका क्लोज फ्रेंड हूँ ब्रदर, तुम्हें एहसास दिलाने के लिए हमने ये ड्रामा किया। गई गुजरी बातें तुम अब तक अपने दिल से लगाकर बैठे हो। जानते हो ब्रदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ईगो। उसे अपने दिल से निकाल फेंको, फिर देखो कि लड़कियां हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरती। अब जाओ ब्रदर, उसे आई लव यू कह दो। आओ हाथ मिलाओ, ऑल द बेस्ट, जाओ एंजॉय करो, मैं चलता हूँ, बाय ब्रदर। अब आज के बाद टॉर्चर मत करना, आई लव यू। तू सोच क्या रहा है? सामने खाना है, खा क्यों नहीं रहा? कुछ नहीं दीदी। खाते समय सोचना नहीं चाहिए। कहती कि 6 महीने से मुझसे प्यार करती है, सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। ए, वो दिखा रहा है। क्या यार, बिना देखे चला गया। आएगा आएगा, रिवर्स मार के आएगा। जम के डांट खाई है ना, इसलिए हमसे अनजान बनने का नाटक कर रहा है। पर याद रख, तुझे झुकना नहीं है। और कितने दिनों तक एक्टिंग करोगे? बहुत तेवर दिखा रही है, इसे कैसे मनाऊं? सॉरी।
डिस्टेंस मेंटेन करना। मैंने किया क्या था इसकी तो वेरी सॉरी। सॉरी वेरी वेरी सॉरी। हेलो बेंजी, हाय, जरा इस तरफ। हाँ हाँ, जैसे को तैसा। वेरी सॉरी। गुड़िया, दिस केस इज एन इमरजेंसी, वी नीड टू ऑपरेट इमीडिएटली, ओके? दीदी, दीदी, गुड़िया अचानक से बेहोश हो गई, पता नहीं उसे क्या हो गया। किसी तरह मेरी बच्ची को बचा लो शिवा। आप रोइए मत दीदी, चुप हो जाइए दीदी, डॉक्टर है ना उधर दीदी, कुछ नहीं होगा गुड़िया को। बैठिए बैठिए, शांत हो जाइए। डॉक्टर, तुम, मैंने तुमसे क्या कहा था, बच्ची कितनी सीरियस कंडीशन में है, उसे कुछ होता है तो एडमिट करने को कहा था ना। अब तक तुम लोग क्या कर रहे थे? उस बच्ची के ऑपरेशन के लिए हमने बाहर से डॉक्टर्स को बुलाया, तुम्ही ने कहा था ना कि बच्ची की माँ को मत बताना। ये तो अच्छा हुआ कि उसकी माँ उसे यहाँ एडमिट करने ले आई। आप क्या कह रहे हैं, मेरी को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ क्या? प्लीज गो पे द मनी, जाओ प्लीज। आई एम सॉरी, वी विल हैव टू गो फॉर सर्जरी, वी विल नॉट वेट फॉर एनीथिंग, इट्स एन इमरजेंसी, लेट्स गो। पैसा पैसा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है मेरा पैसा? बता कहाँ है मेरा पैसा, बता। भाई, पॉन्डिचेरी में कौआ पुकार रहा है, सुना ना? काँ काँ कर रहा है। इसका मतलब क्या? हमारा काम अभी नहीं होने वाला। मुझे एक दिन का टाइम और, तो मैं उसे उठा कर ले आऊंगा। पैसा लेकर आना, जाओ। आओ शिवा, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? मुझे आपसे मदद चाहिए भाई। बोलो भाई। मैं अपनी कार बेच रहा हूँ, उससे ले लो। भांजी के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए मुझे। क्या ये, पागल हो गए हो? अपनी गाड़ी मुझे पहले ही बेच चुके हो। बेच चुका हूं? तुम्हारे बेचने के बाद भी तुम्हें अब तक वो गाड़ी चलाने दी मैंने, अब आकर मुझे चूना लगा रहे हो? वाह भाई वाह, अच्छा है ये तो। शक्ति इधर आ। सर, गाड़ी को जाकर शेड में लगा दो। मामा, दीदी आई थी। तुम्हारा नाम क्या है? वो भी आ गई है। कौन है हम लोग? पिछली बार आए थे तब वो आपसे प्यार कर रही थी। पिछले 6 महीने से वो तुमसे प्यार करती आ रही है। मैंने तुमसे क्या कहा था, बच्ची कितनी सीरियस कंडीशन में है। तुम्हारे बेचने के बाद भी तुम्हें अब तक वो गाड़ी चलाने दी मैंने। सुरेश, जल्दबाजी में कोई बात मत करना वरना हमें धो डालेगा। लगता है कहीं मारा मारी करके आया है, चेहरे पे 12 बज रहे हैं, बहुत परेशान लग रहा है। बॉस, गुस्सा मत कीजिए, हम आपके फ्रेंड हैं। बिल्कुल बॉस, आप ही ने कहा था कि आप अनाथ हैं, उसी तरह हम भी अनाथ हैं, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है बॉस। सुरेश बॉस, सॉरी बॉस,
पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम लोग बुरा मत मानना। अब मुझे थोड़ी मदद चाहिए। बोलिए बॉस, हम लोग हैं ना। टेल मी। मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। मेरी भांजी का ऑपरेशन है, मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। जरा मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। बड़ा डेंजरस आदमी है ये। तूने कहा था शरीफ है। रमेश, सुरेश, ये हमारे साथ पुरानी बातें फिर से शुरू कर रहा है रमेश। अब इससे किस तरह से डील करनी वो मैं बताता हूँ। चला बस, तुम्हें पैसा चाहिए ना। जी हाँ। यस, वेलकम। अंदर वही अपनी पुरानी वाली है ना। हाँ, वही पीस है। बॉस का पहले वेलकम करो। करता हूँ। अरे बॉस, जो अंदर थी उसे पहचाना कि नहीं पहचाना? स्वप्न सुंदरी है। स्वप्न सुंदरी तुम्हें याद है, लेकिन हम तुम्हें याद नहीं है। मैं हूँ स्वप्न सुंदरी, मैं हूँ स्वप्न सुंदरी। वो गा रही है, तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा क्या? फ्रॉड कहीं के, अगर मेरे पीछे आए ना तो जान से मार दूंगा। अब ये काम भी करना पड़ रहा है। सर, मीटर का पैसा दे दीजिए, मुझे अब जाना है। आए हुए 2 दिन हो गए। इधर आ। हाँ? घर पे पैसे मैं पहुंचा दूंगा, तू टेंशन मत ले, बैठ। एक्सक्यूज मी। यस। फोन पे तुमने ही बात की थी ना? हाँ जी। माल रेडी है? हम मूछ वालों को ही माल देते हैं यहाँ पर। आउट। बॉस, मेरे सिर पे तो बाल है, दिख रहा है ना? ओके बॉस, जाता हूँ। इसकी मूछ नहीं है और माल लेने आया है। अपने काम से ज्यादा तो इस काम की डिमांड है यार। पहले ही ये काम शुरू कर देना था मुझे। छे, कितने कस्टमर आकर चले गए, परेशान हो गया हूँ मैं तो। एक हफ्ते का गैप क्या हो गया? देखा तूने वो कितना बदल गया। हेलो, कार में फोटो मिली है सर। हम फोन पे डील कर लें या मिलके डील करें? मिलके डील करेंगे। हम कहाँ आए? बीच रिजॉर्ट में आ जाओ, हम वही डील कर लेंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, How you do your what you want? My dear brothers, boss is waiting for you. Hi. मुझे कॉल करके यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात है शिवा? शिवा, क्या हुआ? तुम ऐसे बच्चों जैसे क्यों रो रहे हो? हाँ, बताओ ना। मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये कोई रोने वाली बात है? मैं कैसे बताऊं? क्या हो रहा है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। 2 लोग आकर मुझसे उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। वो कंपनी ऑनर कहता है कि मैं उसे कार पहले बेच चुका हूँ, उसने कार ले ली मुझसे। उधर मेरी भांजी मेडिकल इमरजेंसी में है, उसका ऑपरेशन होना जरूरी है। ऑपरेशन? उसके लिए 25 लाख रुपए चाहिए। कहां से लाऊं समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतनी सी बात के लिए मूड ऑफ करके बैठे हो? ऑपरेशन करवाना है, ऐसा क्या सीरियस हो गया? मुझे अपनी बहन जी की बहुत फिक्र हो रही है, बिना पैसे के उसका ऑपरेशन कैसे करवाऊं? उसके लिए पैसे चाहिए, मैं लेकर आती हूँ। Hey, बाहर निकालो दोनों को। अब 10 मिनट के अंदर तुम दोनों की मौत पक्की है। तुम्हारा तीसरा साथी पैसों के साथ यहां आएगा। उसके बाद किसे मरना है और किसे पैसों के साथ जिंदा बचना है, यह फैसला तुम्हें ही करना है। वो पूरा पैसा शायद ड्राइवर के पास ही है, उसे फोन लगाओ। इस समय तुम कहाँ हो बॉस? वो मैं लाइट हाउस के पास हूँ। सर, इस समय वो लाइट हाउस के पास है। हे टकलू, हमें भी साथ ले चल रहे। क्या बोला? एक बार मुझे पैसे लेकर आने दो, फिर मैं तुम्हें टकला करूंगा। टकले आदमी की अकल पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए।
ए, क्या हो रहा है? हमें नहीं पहचाना? तुम सब मछली पकड़ने आए हो? भाई बाहर निकलो। जवानी का सारा नशा उतर गया। ओए, पेट्रोल डालकर जला दो इसे। क्या होगा रमेश? अरे बाप रे। शिवा कहाँ हो तुम? सारा पैसा मेरे पास है, कहाँ आऊँ? शहर के बाहर बिनी मिल में आ जाओ। ठीक है, आ रही हूँ। ये लो। एम्बुलेंस को बुलाओ, बहुत चोट लग गई। अरे
ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान? मैं जाकर पूछ कर आऊं क्या? पर कैसे जाएगा तू? देख कैसे जाऊंगा? सुरेश, हाँ बोल। अटकड़ी खुली थी क्या? इसे लगा ले वरना मार खानी पड़ेगी। मामा, अब आप मुझसे दूर मत जाइएगा। मामा, आप दूर जाते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपका नाम क्या मैडम? रत्नकला। रत्नकला, आपका नाम क्या है? तूने कब पैसे दिए थे? ए, बता इनका कितना पैसा था? कितने पैसे थे? थैंक यू शिवाजी। थैंक यू सर। वेल डन। सबको नमस्कार, मैं शिवाजी। आज जी की परमिशन से आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। इस धरती पर पैदा होने वाले हर प्राणी का एक जीवन है, लेकिन कोई भी अपना जीवन जी नहीं पाता है। 5 साल में एक बार सरकार का चुनाव होता है, लेकिन अब हर 6 महीने में सरकारें गिर जाती हैं। बात सुनकर काम देखकर वोट देने का जमाना गया, नोट से वोट खरीदने का जमाना आ गया। इसीलिए जिसकी हैसियत है वो ऐशो आराम से जीता है, और जिसकी हैसियत नहीं है वो खुद को बेचता है। अनाज नकली, दाल नकली, चेक भी नकली, दौलत भी नकली, सीट नकली और सीट पर बैठने वाला भी नकली, सर झुकाकर जीना नकली, सर उठाकर जीना भी नकली, हर चीज नकली। जिसके पास पैसा नहीं है वो खुद को बेच देता है, जिसके पास पैसा है उसे पैसा प्यारा है, रुतबा प्यारा है, इज्जत प्यारी है, धर्म प्यारा है। सोचकर इंसानियत दिखाने वाले यहाँ 40% लोग हैं, लेकिन सोचे बिना मरने वालों की संख्या 60% है। एक कुत्ता जब जान बचाते हुए भागता है तो दूसरा कुत्ता उसके पीछे भागते हुए भागता है। 40% लोग 60% को उसी तरह से भगाते रहते हैं। अगर वो 60% सोच ले तो उन 40% को सीधा कर सकते हैं। आखिर में बस इतना ही कि झूठी शान कभी छुपती नहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सुरेश, रमेश, अब दिन में एक वक्त ही खाएंगे, लेकिन मेहनत की खाएंगे। क्या मेहनत कर पाएंगे सुरेश? मैं जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। बार बार एक ही बात बोल के मेरी जान मत खा रमेश। अरे रिपीट तो तू कर रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा सुरेश। इस समय हमारे स्टेट की कुल आबादी है 7,66,00,000, और इसमें वोट डालने का अधिकार है सिर्फ 5,79,00,000 लोगों को। और वोट देते कितने हैं? 3,25,00,000 लोग। जनता का नायक बनने के लिए पूरे 1,62,50,001 वोट चाहिए, तब बनूंगा सीएम। मेरा टारगेट है 2,00,00,000 वोट। अगर एक वोट के लिए दिया 10,000 रुपए तो 2,00,00,000 के लिए कितना देना पड़ेगा? भाई हिसाब किताब में एकदम पक्के। तुम्हारी एनर्जी बहुत ही अच्छी है। ये बताओ कि खाते पीते क्या हो तुम? अगर पहले बता देते तो तुम्हारे जिस्म की एक हड्डी नहीं छोड़ता मैं। इस समय हमारे स्टेट की कुल आबादी है 7,66,00,000, और इसमें वोट डालने का अधिकार है सिर्फ 5,79,00,000। क्यों है? अपनी जनता को लूट कर उन्हें ख्वाब दिखाने का इरादा है क्या तेरा? अपने ही लोगों को लूट कर राज करने वाले हमारे देश में कम है क्या सर? पूरे 1,62,00,000 फर्ज के लिए जान देने वाले को इंसान कहते हैं, लेकिन जो लोग फर्ज के रास्ते से हट जाते हैं उनका भगवान ही मालिक है। जनता को लूट कर अपनी तिजोरी भरने में कम नहीं हो तुम? जो बोल रहा है ना, अगर इसे सही में करेगा ना तो रेट डाल के अंदर कर दूंगा। इस समय हमारे स्टेट की कुल आबादी है 7,66,00,000, और इसमें वोट डालने का अधिकार है सिर्फ 5,79,00,000 लोगों को। और फिर से शुरू हो गया भाई। 3,00,00,000 बाद में एग्जाम देगा तो पास हो जाएगा। जनता का नायक बनने के लिए यह है डिप्रेसिव साइकोसिस, इससे रिकवरी बहुत मुश्किल है। 50